हाय दोस्तों, मेरा नाम तेजेंद्र है और मैं आपको आज विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। बेसिकली हम इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम आपको विकास के बारे में बताना चाहते हैं कि विकास क्या है, क्योंकि बिना विकास के आप अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र और विकास दोनों एक चीज़ों से जुड़े हुए पहलू हैं। सो गाइस, हम शुरू करते हैं विकास। ठीक है, विकास आप सब जानते हैं कि विकास क्या होता है। एक सामान्य बुद्धि विकास के बारे में जो सोच सकती है, सब सोचते हैं कि विकास एक बदलाव है, क्रमिक रूपांतरण है, जो भी है। ठीक है, पर हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, तो हम आधुनिक के हिसाब से विकास को परिभाषित करेंगे। ठीक है, आधुनिक में विकास का उन विकास का जब विश्लेषण करते हैं, तो आधुनिक में हम ये देखते हैं विकास में कि विकास ऐसा कैसा विकास किया जाए जो क्या समाज में आधुनिकीकरण का काम करे। मतलब आज के टाइम में विकास का ऐसा है कि जो समाज है हमारा, तो समाज में आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। मतलब आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, और जो नवाचार है आज के टाइम में, नई पीढ़ी का नवाचार है और जो पुरानी पीढ़ियों का सब वो है, जो पुरानी पीढ़ियों के हमारे सिद्धांत आदर्श हैं, उनके बीच सामंजस्य बैठा कर किस तरह से हम अपने आप को विकास करें, अपने आप की वृद्धि करें, अपने आप को उच्चतम स्तर पर लेके जाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विकास है क्या। बेसिकली फिर देखिए, विकास सॉरी देखिए, विकास की जो कहानी स्टार्ट होती है, हम सब जानते हैं कि आदिम काल से विकास की कहानी स्टार्ट हुई है। आदिम काल से मनुष्य ने अपना विकास प्रारंभ किया है। हम सब जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि हम जो है आदिवासी युग में जिया करते थे, जहाँ हमारी ना में बोलने की शैली थी, ना खाने की शैली, जो भी जो हम आज के टाइम में करते हैं उस टाइम में नहीं थे। तो धीरे धीरे मानव ने अपना विकास किया। ठीक है, और विकास करते करते हम आज यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, विकास का जो पहलू है आज के टाइम में इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तो आज आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो एक लोकतांत्रिक समाज है, गणराज्य समाज है, या जो भी है कि जनतांत्रिक समाज है। तो इसमें विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जो खुला समाज है, जहाँ पर लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं, लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो इस हिसाब से सबके लिए जो विकास के मायने वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने आम जीवन में देखते हैं कि एक बिजनेसमैन होता है, उसका जो बेटा होता है या वो बिजनेसमैन होता है, उसके विकास के लिए क्या आयाम होते हैं, या एक गरीब परिवार का बच्चा या मिडिल क्लास का फैमिली होते हैं, उसके लिए विकास के क्या आयाम होते हैं। दोनों के विकास के आयाम एक होता है उच्चतर जीव उच्च जीवन स्तर और क्वालिटी वाला जीव उच्च स्तर ही बोल सकते हैं, क्वालिटी वाला जीवन स्तर की एक अच्छा जीवन स्तर जिया जाए, इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से इनके विकास के मायने अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, विकास के मायने अलग अलग हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि कभी कभी इन विचारों जो विकास के मायने उनमें क्या हो जाता है कि देखिए, हम भारत में विकास की बात करें तो भारत में विकास हमेशा सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, पर जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो विकास के मायने चेंज हो जाते हैं। देखिए, पारंपरिक टाइम में जो विकास था वो एक बंधनों में बंधा हुआ था। ठीक है, हर किसी को काम करने के अपने हिसाब से विकास करने की वो नहीं थी, अनुमति नहीं थी। हमारे पास जो हमें हमें हम पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हम हमारा जीवन जो जीवन था पहले चाण व्यवस्था में था। ठीक है, आगे चल के विकास के मायने हुए। आप हिस्ट्री क्लास में आप देखोगे कि विकास के मायने कैसे कैसे चेंज हुए, किस तरह से हुए। फिर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो हम आधुनिक काल हमारा ब्रिटिश काल से शुरू होता है कि ब्रिटिश काल से विकास के मायने चेंज हो गए, कि विकास की परिभाषाएँ चेंज हो गई। ठीक है, देखिए विकास की परिभाषा ब्रिटिश काल में चेंज होने मतलब ये नहीं कि विकास हुआ नहीं या विकास रुक गया था। विकास हुआ था, पर वो विकास किसी और के द्वारा थोपा हुआ विकास था। वो विकास हमने अपनी इच्छा से चाहा नहीं था कि ऐसा विकास हमें मिले। ठीक है, क्योंकि हमने जो कोई बंदा अपनी मर्जी से विकास को नहीं चाहता है, जिस विकास मतलब जो बंदा अपनी इच्छाओं को मार कर या अपनी इच्छाओं को दफन करके विकास करता है या अपने किसी विकास करता है, तो वो विकास विकास नहीं होता। ठीक है, तो इसमें उसको उसकी जो मौलिकता होती है वो निकल के नहीं आती।
ठीक है, जो मौलिकता से आप समझते हो कि उसका जो अंदर का मूल का तत्व होता है वो कभी निकल के नहीं आता। तो औपनिवेशिक काल में हमारे संग यही हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था बंद की गई, हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिनमें जैसे हमारे कुशल कारीगर थे उनको दबाया गया, और जो भी हमारे भारत में रोजगार के क्षेत्र थे जो विकास उत्पादक गतिविधियों को बढ़ा सकते थे वो बंद किए गए। बेसिकली हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बंद कर दी गई, जिससे हमारे विकास अवरुद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्थिति जानी कि एक विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो हमें वहाँ हमें अपने औपनिवेश काल से सीख मिलती है कि विकास के लिए सबसे पहले आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके पास आपकी स्वतंत्र सोच होनी चाहिए कि आप एक अपनी स्वतंत्र सोच हो सके, उसको कुछ करने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए जो एक राज्य के द्वारा दिलाए आपके पास आप उपलब्ध कराए जाते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख हमने देखा कि हम जानते आए कि हमारे देश में जाति व्यवस्था या ऐसी चीज़ें रही हैं, या जो भी आप बोल सकते हैं जाति व्यवस्था या जो भी हमारे अंदर है, तो हमें समता का प्रभाव, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे देश में विकास तभी हो पाएगा जब हम समता की बात करें। तो उस टाइम हम समता की बात करते हैं कि स्वतंत्रता हो, समता हो, और क्या हो, कुछ हमारे आदर्श थे जैसे हमारे गांधी वांधी प्रिंसिपल्स थे, कि आपने पढ़ा होगा कि जंतर में गांधी या जंतर है कि मैं तब तक विकास को विकास नहीं मानता तब तक किस अंतिम हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास ना हो। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल बन के हमारे विकास को परिभाषित करते हो, और ये विकास की अवधारणा हमारे संविधान में दी गई है। ठीक है, यहाँ से हमारे विकास की अवधारणा ने जन्म लिया कि हमारे औपनिवेशिक शासन काल से दस्ता से और हमारे पारंपरिक इतिहास से हमने अपनी विकास की अवधारणा को जन्म दिया जो हमारे देश के संविधान में निहित है। और आप इसको हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में देखोगे, जिसमें आपको 6 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपके, ठीक है, जो आपको आपके विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें ठीक है वो आप देखना आपकी राजनीति विज्ञान में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए होंगे और हमारे नीति निदेशक तत्व दिए होंगे। ठीक है, जो एक आपके जो आपको कल्याणकारी राज्यों के आपको क्या देते हैं, दावे देते हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी है, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी है कि राज्य की इच्छा शक्ति, ठीक है, राज्य की इच्छा शक्ति किसके हाथ में, वो कैसे उसको अप्लाई करता है, ये विकास का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विकास इंसान का प्रथम विकास भी माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू वो अपनी पसंद की सरकार चुनता है या अपने कर्तव्यों का जो उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उनको चुनता है। तो राजनीतिक अधिक विकास एक बहुत बड़ी टर्म है जो एक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा भी, आप उसको राजनीति विज्ञान में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो हमने देखा कि विकास की अवधारणा हमारे संविधान में निहित है और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और इसके नीति तत्वों में दिखाई देती है। ठीक है, अब विकास की अवधारणा तो हो गई, पर विकास है क्या? ठीक है, विकास साधारणतः विकास का तात्पर्य मानव का अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए मानव की अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग, ठीक है, इसमें दो तीन बातें आई हैं कि मानव आया है उसकी क्षमता आई है उसका संधारणीय प्रयोग क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए मानव से तात्पर्य तो आप समझते हो कि एक मनुष्य है, ठीक है, या कोई हम मनुष्य को अर्थशास्त्र के टर्म में बोले तो मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जो उत्पादक करता है उत्पादन की उत्पादन में भाग लेता है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्टिव माल है, उत्पादक माल है अर्थशास्त्र के टर्म में मानव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करें। देखिए हर मानव है उसकी अपनी एक क्षमता होती है, आप जानते हो, ठीक है, ठीक है, अपने हर इंसान की क्षमता होती है। हर इंसान आप देखिए कि आप अपने रास्ते में देखते हो कि कोई इंसान रिक्शा चलाता है, कोई इंसान गाड़ी चलाता है, या इंसान कोई कंपनी चलाता है, बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, या इंसान अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करता है। ठीक है, संधारणीय का प्रयोग ऐसा है कि संधारणीय क्या हो कि इंसान एक ऐसा वर्क करे, ठीक है, जो धारणीय हो। धारणीय से मतलब हो दूसरे के लिए धारण करने वाला हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो वो विकास कर रहा है अपना वो अपने तक सीमित हो, ऐसा विकास हो कि उसके द्वारा दूसरे का विकास हो। ठीक है, इस तरह से संधारणीय विकास को परिभाषित किया जाता है। तो मैं अपनी पूरी डेफिनेशन पूरी करता हूँ। देखिए साधारणतः विकास का तात्पर्य मानव का अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करना है। क्षमता से तात्पर्य मानव की स्वतंत्रता, समता एवं संसाधनों की समुचित पहुँच। ठीक है, अगर किसी मनुष्य को विकास करना है तो आप उसको, आप देखिए हमने पहले बताया था कि हमारे संविधान में क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, इंसान को स्वतंत्रता दी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र हो किसी भी कार्य करने के लिए, मुक्त हो। ठीक है, और उसके पास समता हो, समता मतलब वो
कि उसको बराबरी का मौका दिया जाए, स्वतंत्रता के साथ बराबरी का मौका हो और संसाधनों की उचित पहुंच हो। संसाधन भी आप बोल सकते हो कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अगर किसी जीवन में अगर दो चीज़ ना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य ना हो, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के वो देखिए, अगर एक वो रिक्शा वाले के पास, अगर उसके पास क्षमता है पढ़ने की और उसके पास शिक्षा ही ना हो, ठीक है, तो वो कैसे विकास करेगा। तो हमारे राज्य की नीति निर्देशों में ये प्रोवाइड है कि आप शिक्षा, राज्य एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हमने बोला था कि पहले कि राजनीतिक अधिकार पहला ही विकास का पहला अधिकार होता है, कि आप किसी को राजनीतिक अधिकार दीजिए तो वो अपना विकास कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि राज्य के हाथ में शक्ति देगा तो वो उसको उसको वो शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आप जानते हो कि बहुत से संसाधन होते हैं जिनकी इंसान को डेली की आवश्यकता होती है और सरकार जिन्हें पूरा करती है, ठीक है। तो आप समझ गए विकास, कि इंसान को अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, संधारणीय है। और ऐसा संधारणीय मतलब आप जानते हो कि ऐसा विकास जो उसके साथ क्या हो, उसके आने वाली पीढ़ी को भी क्या दे, सुख दे, ठीक है। तो विकास समझ गया, विकास क्या है, ठीक है। विकास क्यों, ठीक है, विकास है क्या, विकास क्यों, और विकास हम जान लेते हैं विकास जरूरी क्यों है, ठीक। एक समुचित विकास, मतलब समुचित विकास को हम आज के टाइम में क्या नाम देते हैं, आज के टाइम समुचित विकास को समावेशी विकास के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको हम आपको आपको आगे बताएंगे समावेशी विकास है क्या। पर समावेशी विकास के लिए छोटे से हम बात बोले तो एक ऐसा विकास जिसमें सभी का समान रूप से विकास हो। समान रूप से मतलब वो, समान रूप से मतलब वो कि किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, मतलब सबको अपनी क्षमता के हिसाब से विकास करने का मौका मिले। एक ऐसा विकास समावेशी विकास होता है, ठीक है। सबको अपनी उनको क्षमता प्रोवाइड की जाए, उनको संसाधन प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, ताकि वो अपने विकास स्वयं कर सकें, ठीक है। तो ये समावेशी विकास हो गया। तो हम परिभाषा पूरी करते हैं अपनी। एक समुचित विकास अर्थात समावेशी विकास समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समाज में बहुत विविधताओं से परिपूर्ण होता है, मतलब समाज होता है वो एक बहुत ज़्यादा विविधताओं से परिपूर्ण होता है, और इन विविधताओं में उनका रहन सहन, खान पान वह आय आदि में असमानता होती है। इन असमानताओं में एक रूपता स्थापित करने के लिए विकास की आवश्यकता होती है। अब आप पूछोगे कि एक रूपता क्या होती है, एक रूपता कैसे स्थापित करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा विकास करोगे जिसमें एक का विकास हो, दूसरे का विकास ना हो, तो सीधी सी बात है, विकासशील वाला व्यक्ति अपना विकास निरंतर बढ़ाता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो निरंतर जो जिसका विकास नहीं हुआ है, वो विकास में पिछड़ता जाएगा, ठीक है। उसका एक विकास नहीं होगा, समुचित विकास नहीं होगा, तो समुचित विकास नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो विकास में पिछड़ जाएगा। देखिए, विकास में पिछड़ जाएगा, पहले इससे हानि क्या होगी, इससे हानि ये होगी कि हम अपनी उत्पादकता, जो हमारी मानव रिसोर्सेज हैं, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक आधा हिस्सा उसका संसाधनों का उचित प्रयोग कर रहा है, आधा हिस्सा संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह पहले हानि हम देखते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। और सीधी सी बात है कि एक आज का जो अंतर बन गया है गरीबी और अमीरी का, वो निरंतर बना रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप देखते हो कि जब समाज में इतनी खाई व्याप्त होती है, तो समाज में कुंठा भी व्याप्त होती है। मतलब कुंठा होती है कि समाज के अंदर कि एक इंसान विकास कर रहा है, दूसरा इंसान विकास नहीं कर रहा है, तो जो अविकासशील समाज है उसके मन में एक जो होती है, वो हो सकता है कि तीव्र आक्रोश भी उत्पन्न हो, ठीक है। तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इसलिए विकास जरूरी है कि इन जो विकास में जो एक जो साम्यता लाया जाए विचार। देखिए, ये विकास जो है सिर्फ आर्थिक स्तर पे नहीं होता, ये आप देखिए कि अगर आप देखोगे विकास पीढ़ियों के स्तर पर और विचारों के स्तर पर होता है, कि तो इस तरह पीढ़ियों के स्तर पर होता है और विकास विचारों के स्तर पर, विचार के स्तर पर बोले तो बड़े बुजुर्ग के विचार और आपके आधुनिक विचार, ठीक है। अगर इनको आप साथ लेके नहीं चलोगे, छोड़ के चल दोगे, एक विचार को लेके चलोगे, एक विचार को छोड़ दोगे, तो ये समाज में घातक स्थिति होगी, क्योंकि एक समाज का एक चीज़ का दबना हमेशा समाज में घातक सिद्ध हुआ है। तो आपको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको एक रूप इन दोनों में एक रूपता लेके आनी पड़ेगी, तो ही विकास आगे बढ़ेगा। मतलब विकास जो भी प्रगति है आपकी आगे बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से हमें विकास जरूरी है, ठीक है। अब विकास हमने देखा कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास है क्या और विकास क्यों, ठीक है। हम देखते हैं कि विकास और आय में संबंध क्या है। हम बोलते हैं कि क्या जो उसका आय अच्छी है उसका क्या विकास अच्छा हो सकता है, ठीक है। हम पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर करते हैं कि आय और विकास में क्या समानता है। जिसके देखिए, हम बेसिकली ये सोचते हैं जिसकी जिसके आय अच्छी है उसका विकास अच्छा होगा, डेफिनेटिव बात है,
मतलब निश्चित तौर पर कही जाने वाली बात है, भाई आय अच्छी है तो इंसान अपने लिए अच्छा जीवन स्तर खरीद सकता है या ले सकता है, उसका आनंद ले सकता है, ठीक है। पर क्या आय हर जगह काम करती है? देखिए, आय सिर्फ आपकी जीवन स्तर को सुधार सकती है, ठीक है, आपके इकोनॉमिक स्तर को उतार सकती है, पर आय आपके विचार के स्तर को नहीं बना सकती, आय आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं बना सकती, ठीक है। देखिए, हम आप सिंपल सा एग्जांपल दें तो आप अगर आय कर आपके पास अच्छा, अगर अच्छी आय है, आप अच्छा पैसा कमाते हो और आपको दो इंसान अगर इज्जत ना दें, ठीक है, सो सिंपल से हुआ है, अगर आपको दो इंसान इज्जत ना दें तो आपकी आय आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं खरीद पाई, ठीक है, आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं खरीद पाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आय ज़रूरी है विकास के लिए, पर ज़रूरी से ज़्यादा भी और भी चीज़ें, आपका जीवन, आपका क्या, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलो हम अब दो राज्यों के बीच एग्जाम्पल देते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आप देखिए हरियाणा और केरल का हम उदाहरण लेते हैं, हरियाणा या बिहार केरल साइड का हम उदाहरण लेते हैं। आप जानते हो कि हरियाणा अपने आर्थिक विकास, सॉरी, वो अपने आय के स्तर में, प्रति व्यक्ति आय के स्तर में बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कि वहाँ पर आप जानते हो अच्छी अच्छी भूमिज है, उत्पादन है, सिंचाई व्यवस्था है। केरल में एक समाजवादी समाज है केरल एक, तो आप वहाँ देखिए इनमें समाज, आप इनमें देखिए कि इनमें विकास किसका ज़्यादा है। केरल में आप देखिए कि आपके पास वहाँ पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा पैसा है, पर आप हरियाणा बारे में एक चीज़ जानते हो कि हरियाणा में एक कन्या भ्रूण हत्या नाम का अपराध होता था बहुत पहले, थे बहुत पहले होता है। अच्छा, और वहाँ पर आप देखिए कि जो सेक्स रेशियो है, जिसे हम लिंग अनुपात कहते हैं, वो हमेशा कम रहा है। इतना अच्छा आय का स्तर होने के बाद वहीं केरल में इतना अच्छा वो नहीं है, आय का डेवलपमेंट, आय का जो स्तर इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी वहाँ का वो है जीव जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की साक्षरता भी अच्छी है हरियाणा की तुलना में, जो भी वो भी लड़कियों के मामलों में। तो हम आप देखते हैं कि हरियाणा में आय में तो विकास हुआ, पर वहाँ की जो लड़कियाँ लड़कियों का जो विकास था वो समुचित रूप से नहीं हो पाया। तो मतलब आपके एक समाज के सिर्फ एक हिस्से को उसका फ़ायदा हुआ विकास के को, और एक हिस्से को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम आय और विकास के मायने तय करते हैं। सिर्फ आय आय आपकी आर्थिक ज़िंदगी सुधार सकती है, पर वो आपके सामाजिक स्तर को नहीं सुधार सकती। आप विकास में आप सिर्फ आय को ले नहीं सकते, आप उसमें उसके सामाजिक विकास, उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को भी लेना होता है, ठीक है। तो हम और हम ये बात आपको आगे बताएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, जब ह्यूमन विकास सूचकांक के नाम की एक चीज़ होती है, इसमें हम आपको इस चीज़ को आगे और बता भी देंगे। तो हम विकास के बारे में और बताते हैं आपको। देखिए, विकास एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित एक संकल्पना है, जिसमें किसी मानव के आर्थिक के साथ साथ उसके सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को क्या परिभाषित किया जाता है, कि किस परिभाषित किया जाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को कैसे प्रकार से परिभाषित किया जाता है, कि उसकी इसकी इन चीज़ों में उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। विकास ये आपको बताता है, ठीक है। अब हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति, उनका नाम लेना चाहेंगे, अमर्त सेन, ठीक है। अमर्त सेन एक, हम जानते हैं, आप जानते होंगे अमर सेन के बारे में पढ़ा होगा, पर हम अमर सेन के बारे में इतना बताते हैं, अमर सेन के विकास की आयाम बताते हैं, वो विकास के बारे में क्या सोचते हैं। तो विकास में अमर सेन का कहना है कि विकास उन विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता विहीनता का निवारण सम्मिलित है, जो लोगों को उनके सामर्थ्य के अनुसार थोड़े विकल्प और अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, ये वही बात बोल रहे हैं जो हमने पहले अभी थोड़ी बार देर पहले डिस्कस की थी, कि विकास पे उन विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता विहीनता का निवारण सम्मिलित है, ठीक है, कि विकास तभी होगा जब आप किसी की स्वतंत्रता को उसको दोगे, जिसके हिसाब से वो अपना विकास, मतलब अपने लिए कुछ करेगा, ठीक है। हमने ये बात बताई अमर सेन के साथ, आप इसको कोट कर सकते हो और कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, आप इनका नाम सुने, आपके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम विकास पर एक छोटी सी बात करते हैं। देखिए, विकास पर हम एक रिपोर्ट आई थी, मानव विकास रिपोर्ट, की आप जानते हो कि विकास पे एक रिपोर्ट आती है, मानव विकास रिपोर्ट। हम उसके बारे में थोड़ी आपको बताते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट एक यूएनओ द्वारा क्या की जाती है, प्रतिपादित की जाती है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, विकास जो रिपोर्ट है विकास के आयाम को मापती है। बेसिकली तीन स्तर पर आयाम को नापती है, ठीक है। एक जो आपका एक होगा, पहला तो आपका आय, कि आपका आय कैसा है, ये आप एक उसको नापती है कि आपकी जो आयु है, जीने की दर है वो कैसी है। तीसरा वो आपके इस बात को नापती है कि आय, शिक्षा आय, और तीसरा है और आपकी दीर्घायु, ठीक है। हम आपको आगे बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक है क्या, वैसे आप देखिए तीन स्तर पर काम करता है, ठीक है। तो इसकी एक रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट एक चीज़ बताती है, इसके कथन बोलना चाहेंगे आपके सामने कि एक बात तो समझ में आती है कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। तो हम अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की एक लंबी सूची हो सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की आप रिपोर्ट भी आपने देख ली कि ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी ये बोलती है कि जो विकास है वो सिर्फ आय पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए और भी फैक्टर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और छोटे शब्दों में बोला जाए कि एक मतलब तो वो चीज़ें जो एक व्यक्ति के जीवन स्तर को व्यापक रूप से सुधारती है, ठीक है। अब विकास को देखते हैं, कई रूपों में विकास को हम देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले विकास को राजनीतिक रूप में देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम जानते हैं विकास, हमने आपको बताया था राजनीतिक रूप में क्या है। विकास के लिए पहली शर्त यह है कि इंसान का राजनीतिक विकास हुआ जाए, तो ठीक है। तो हम बोलते हैं यह विकास के रूप में प्रथम अधिकार है जो मानव को अपने समुचित विकास के लिए किसी एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, इसे ही राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक सेवाओं के रूप में राज्य एक विकास प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के लिए भारत में दो अलग राज्यों में शिशु मृत्यु दर में अंतर राज्य की कार्य शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि पहली बात बताई दिया कि भाई एक प्रथम अधिक विकास की श्रेणी में आता है। देखिए एक राज्य होता है, हमने बताया था एक राज्य एक अपने क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का क्या करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके हाथ में शक्ति दी होती है एक लोकतंत्र राज्य में, जो कि जनता के द्वारा की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो जनता के विकास प्रति उसकी जवाबदेही है, तो जवाबदेही है, ठीक है। तो इस तरह एक राजनीतिक विकास मतलब विकास के लिए राजनीतिक विकास होना जरूरी है, क्योंकि वो ही क्या करता है किसी को, जैसे हमने बताया कि हमारे संविधान में पहले बताया था, हमारे संविधान में बताया था कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देश तत्व वो आपको स्पष्ट करते हैं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा ही किसी का विकास किया जाता है। आप उसके आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें राज्य के कर्तव्य भी समझाए गए हैं, जो आपको इस बात को पूरी तरीके से समझा देंगे कि एक राजनीतिक रूप में विकास के क्या आयाम हैं, उससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। और हमने आपको बताया था हरियाणा और केरल का उदाहरण, आप उसमें देखिए दो स्टेट जिसमें हरियाणा और केरल की राज्य की इच्छा शक्ति का नतीजा था कि इन दोनों में स्थिति कैसे कैसी थी, आय के स्तर असमान होने के बावजूद भी, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं मानव विकास। देखिए अमर्त्य सेन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, वो ये बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि को वो है ना क्या विकास मापक है। ये कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि को विकास के मापक में रूप में देखे जाने के ये क्या है, प्रबल असमर्थक हैं, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, देखिए आर्थिक समृद्धि इसमें एक टर्म है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है बेसिकली, देखिए आर्थिक समृद्धि जब होती है जब अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति को आप एक मात्रात्मक लेवल पे नापते हो, ठीक है। मात्रात्मक लेवल पे नापने मतलब आप उसको गणितीय अंकों में नापते हो एक तरीके से, कि भाई कि आप उसके अंदर नहीं झांकते कि हम देखते हैं कि जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ, ठीक है, जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ, पर उससे उस ग्रोथ से कितने को कितना मिला, मतलब उस ग्रोथ की जो आपके आपके पास मात्रात्मक जो आपके पास संख्या आई है कि इस साल हमने हमारे देश की इकॉनमी इतना ग्रोथ करी, इतने हमारे पैसे हमारी इकॉनमी में इतने पैसे कमाए, पर उस पैसे से उस पैसों का आपने क्या किया, मतलब उस पैसों का असर जो पैसे कमाए थे उसका समाज के विभिन्न तबकों का कुछ उसको कुछ मिला भी या नहीं मिला उसका कुछ, ठीक है, उसका कुछ तबकों का कुछ मिला नहीं। जो विकास बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन भी विकास करते हैं, क्या उस विकास का जो भी उन्होंने विकास को कि विकास उन्होंने कैसे किया होगा, हमसे विकास किया होगा विकास करने को, तो ठीक है।
वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें किसका हाथ होता है? हमारा ही हाथ होता है, क्योंकि तो हम इन सामान को खरीदते हैं, तो हमारे थ्रू तो उनका विकास हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम उनका विकास कर रहे हैं तो क्या उस चीज़ से हमारा विकास हुआ कि उनके प्रोडक्ट बेचने से क्या हमारा विकास हुआ कि हमारे जीवन स्तर में उससे कितना बदलाव आया? ठीक है, कितना बदलाव आया? ठीक है, ये होता है, क्या होता है आपका मानव विकास के अंदर एक संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कि विकास मानव का जो विकास हो वो सिर्फ आर्थिक समृद्धि से नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है उस बिजनेसमैन का क्या देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है, पर जो उसका प्रोडक्ट खरीदा है उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ इसमें उस बात को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस उस चीज़ का विकास छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके एक तो क्या होते हैं उसका एक गुणवत्ता नहीं ली जाती कि उस विकास की जो गुणवत्ता है ना वो किस प्रकार से परिपाटी पर समाज पर उतरी है। ठीक है, तो ये मानव विकास की एक संकल्पना देते हैं अमित सिंह की, सिर्फ समृद्धि, सिर्फ ग्रोथ, समृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, कि सिर्फ समृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक लेवल पर होती है, वो गुणात्मक लेवल पर नहीं होती। ठीक है, वो इसमें क्या करते हैं मानव मानवाधिकार को क्या करते हैं मौलिक वाक्य रूप में सम्मिलित करते हैं कि मानव का जो विकास होना चाहिए, रमजान मानव का जो विकास है उसका वो अधिकार है, एक मानव अपना विकास कर सके खुद अपने ढंग से स्वयं से, वो उसका एक मौलिक अधिकार है। इसमें हम बात इनपुट करना चाहेंगे कि मौलिक अधिकार के रूप में उनका ये मतलब है कि एक इंसान को स्वतंत्रता दी जाए, वो स्वतंत्रता दी जाए और वो अपनी क्षमता के हिसाब से क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, इस प्रकार अमरसन कहते हैं कि इसको मानव अधिकार के रूप में मौलिक क्या मानव विकास को सम्मिलित किया जाए मौलिक रूप अधिकार के रूप में। ठीक है, हम इसके पूरी डेफिनेशन बोल देते हैं आपके सामने एक बार, आप देख भी लेना, आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अमर्त्य सेन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, वो आर्थिक समृद्धि को विकास के मापक के रूप में देखे जाने के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने मानव अधिकार को विकास के एक मौलिक भाग के रूप में सम्मिलित करते हैं करते हुए पुनः परिभाषित करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की सभी उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदायिता आवधिक समृद्धि दोनों के साथ साथ हो सकती है। ठीक है, हम नीचे की लाइन को समझाते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रिया की किस लाइन को, कि सामाजिक परिवर्तन की सभी उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदायिता आर्थिक समृद्धि दोनों के साथ साथ हो सकती है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हम जाना कि भाई मानव ने विकास किया, देखिए समाज में जो परिवर्तन होते हैं आप जानेंगे, अगर एक किसी मनुष्य का अच्छा विकास होगा, आर्थिक विकास आएगा, अच्छा विकास होगा, तो सीधी सी बात है उसका सामाजिक विकास भी ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे आएंगे तो वो अच्छी से अच्छा खरीद पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो यह है कि भाई ठीक है उसका सामाजिक परिवर्तन पर धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। तो अमरसन यहाँ कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि मतलब ऐसा नहीं हो GDP में बिजनेसमैन प्रॉफिट ना कमाए, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो भाई पैसे कैसे, रेवेन्यू कैसे आएगा सरकार के पास? ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे आएगा? तो यहाँ ठीक है रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू भी नहीं आएगा, सरकार काम कैसे करेगी? तो बिना क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं जो आप टैक्स देते हैं वो, इसको रेवेन्यू बोला जाता है, जो जो सरकार की कमाई होती है उसी सरकारी कमाई को उसी को बोला जाता है, वो नहीं आएगा सरकार कैसे काम करेगी? तो यहाँ अमर सर कहना चाहते हैं कि सरकार और जनता दोनों क्या करती हैं, सरकार जनता दोनों क्या करती है इस विकास को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, सरकार और जनता इन दोनों विकास को आगे कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, यहाँ अमर सर इस बात को कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संधारणीय विकास। ठीक है, इसका तात्पर्य एक विकास जो भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखते हुए करा हो। ठीक है, चूंकि इसका तात्पर्य सिर्फ आने वाली पीढ़ी नहीं है, सामान्यतः एक विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं तथा अवांछनीय परिणाम ला सकते हैं। इस रूप में विकास को धारणीय अर्थात जो सबके लिए अपनाने लायक हो बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए इसे प्राप्त करने के लिए UNO ने 17 संधारणीय लक्ष्य रखे हैं जो उन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, और इसके लिए प्रत्येक हितधारक नागरिक व सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। देखिए संधारणीय विकास, देखिए हमने पहले बताया था संधारणीय विकास कैसा हो कि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को विकास की सौगात दे के जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ छोड़ के जाए। हम इस संधारणीय विकास को हम आज के टाइम में बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, पर्यावरण में यूज़ करते हैं, पर्यावरणीय विकास में, आर्थिक विकास में, सब चीज़ में। बेसिकली धारणीय का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को धारण किया जा सके, मतलब जिस चीज़ को धारण ही किया जा सकते, धारण किया जा सकते,
और जिस ठीक है धारण किया जा सकते हो, समान रूप से धारण किया जा सके, सैके मतलब सै मीन समान और धारण में धारण, जिसको समान रूप से धारण किया जा सके। देखिए देखिए संधारणीय विकास की आज के टाइम में आवश्यकता क्या है। देखिए संधारणीय विकास, देखिए आज के टाइम में जो विकास के जो आयाम खुले हैं, हम जानते हैं कि विकास आज के टाइम में जो आप एक चीज़ पर आपने एक चीज़ सुनी होगी अखबारों में बहुत बार कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण की कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण को क्षति इसलिए पहुंचे कि पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ी है, और ये कार्बन की मात्रा हुई है कि हमारे अत्यधिक दोहन की विकास परियोजनाओं से। ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत विकास परियोजना चल रही है जो अत्यधिक अब जिनमें पर्यावरण का क्या किया जा रहा है, ह्रास किया जा रहा है समुद्र में या आकाश में। आप बहुत सी संधियाँ पढ़ोगे जिन जिनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं इनको रोकने के लिए। तो इसमें ये बात की गई कि हमें विकास एक ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए तो हो, वांछनीय हो, हमारे लिए से वांछनीय हो, पर आने वाली पीढ़ियों को दिया जाए। हम फॉर एग्जांपल में हम पेड़ दे सकते हैं, जैसे हमें पेड़ क्या देते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं, वो व्यवसाय में बहुत उपयोगी होते हैं, वो आम जीवन के लिए बहुत उपयोगी, औषधियों में बहुत उपयोगी है। तो हम ये नहीं कहते कि हम पेड़ों का उपयोग ना लें, पर हम पेड़ों का अंधाधुंध उपयोग ना करें कि हमें चाहिए एक पेड़, हमें काट लिए दो पेड़, या हमें अपने व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसे के कि ऐसा विकास हो कि मतलब चलो हमें दो पेड़ काट भी लिए, विकास का मतलब है कि हम दो पेड़ काटे हैं तो हम तीन पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में इन पेड़ों की कमी ना हो, और आने वाली पीढ़ियों को क्या कहें, ये जो सौगात जो देते आए पिछली पीढ़ियों को, वो ही आगे वाली पीढ़ियों को देते रहे। तो इस तरह संधारणीय विकास की परिक्रमा की जाती है। ठीक है, संधारणीय विकास की परिक्रमा की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो क्या है, हम जानते हैं कि संधारणीय विकास ये हो गया, चलो ठीक है हमें मान लिया। अब देखिए ये हो गई एनवायरमेंटल बात की, एनवायरमेंट में विकास, संधारणीय विकास का मतलब ये हो गया कि भावी पीढ़ी के लिए। ठीक है, हम अगर अर्थशास्त्र में इसकी बात करें कि भाई संधारणीय विकास अर्थशास्त्र में क्या मायने होते हैं, तो हम देखेंगे संधारणीय विकास को एक तरीके से आप समावेशी विकास के रूप में जानते हैं, समावेशी विकास के रूप में बोल सकते हैं, क्योंकि समावेशी विकास ही संधारणीय विकास की अवधारणा लेके आता है। ठीक है, को समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास होता है जिसमें सबका समान रूप से विकास हुआ था, जिसके संसाधनों की सबके पास समुचित पहुंच हो, किसी एक के पास संसाधनों को यूज़ करने का अधिकार ना हो। ठीक है, कि वो इसका अधिकार करे और दादून अधिकार करे और बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं और वो विकास ना कर पाए। इसी के लक्ष्य को ध्यान के रखते हुए देखिए हमारे हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ बेसिक प्रॉब्लम, सामान्य जो सामान्य कॉमन प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व में व्याप्त है। तो उन विश्व समस्या को समाप्त करने के लिए जो है, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसी को ध्यान रखते हुए यूएनओ ने कुछ लक्ष्य रखे हैं, जिनको आप जानते हो समावेशी विकास 2030 के नाम से कुछ उन्होंने अपने गोल रखे हैं, जैसे ठीक है, ताकि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके जिन लक्ष्यों के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों को क्या कर सके, संधारणीय विकास का क्या दे सके, फायदा दे सके। संधारणीय विकास के फायदे से कि उसमें लक्ष्य रखे गए हैं गरीबी न्यूनीकरण का, कि अगर गरीबी देखिए अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों के क्या होगा, कि अगर आज कोई कोई भी जो साइकिल चलाने वाला या रिक्शा चलाने वाला अगर अपना थोड़ा सा विकास करेगा, ठीक है, उसको गरीबी के घोंसले निकाला जाएगा, तो उसकी आने वाली पीढ़ी जैसे उसकी पीढ़ी होगा तो उसको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना कौशल विकास के थ्रू अपनी अच्छी पढ़ाई करेगा, संसाधनों की पहुँच होगी और अच्छा व्यवसाय करेगा या जो भी अपना कुछ करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार संधारणीय विकास की परिपाटी दी जाती है कि ये संधारणीय विकास एक मानव विकास के लिए बहुत बहुआयामी चीज़ है, दृष्टिकोण है, और इसके लिए आप यूएनओ ने दरखास्त की है कि इसके लिए सभी देशों की सरकारें, वहाँ के नागरिक समाज जो नागरिक सिविल सोसाइटी होती है और वहाँ की जनता इसमें सहयोग प्राप्त करें। देखिए हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमने आपको मानव विकास के बारे में बताया जी थोड़ी देर पहले, बताया कि सब की अधिकार प्रायिकता अधिकार आर्थिक संबंधी दोनों के साथ साथ हो सकती है। देखिए इसमें हम आपको बता इसको हम समझाने के लिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया पहले, जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन विकास कर रहा है, देखिए एक टर्मोलॉजी आई थी कौन में आप पढ़ोगे, अगर एक आर्थिक व्यापारी विकास कर रहा है तो सीधे से विकास की बात है, वो विकास हमसे ले रहा है, हमारे हम चीज़ को खरीद रहे हैं, हमारी चीज़ उसके पास पैसा जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि सीधे सीधे खर्च करे, पर जो व्यापारी हमसे पैसा कमा रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वो हमारी धरती से ही पैसा कमा रहा है, हमारी जो संपदा है
क्योंकि भूमि थी, भूमि है, भूमि पानी जिससे वो अपनी संपत्ति बना रहा है, वो एक साझी संपत्ति है सबकी, तो उसका उस पर केवल उसका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो उस भूमि पर सभी मानव जाति का अधिकार है, तो उसका भी हक है कि वो उसका कुछ परसेंट मानव जाति को दे। इसको ध्यान में रखते हुए एक टर्म आई थी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सामाजिक सामाजिक सहयोग दायित्व, ठीक है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी आई थी। इसके थ्रू क्या होता है कि व्यापारी अपने व्यापार अपने लाभ का कुछ अंश समाज को भी देता है जिससे वो खा रहा है। तो उस तरह मानव विकास को समझाते हैं कि आर्थिक समृद्धि और क्या अधिकार प्राप्त दोनों साथ साथ होती है, और मानव अधिकार क्या है तो मौलिक भाग है, ठीक है। हमने देखा भी हमने भी देखा कि विकास को हमने अभी तक 3 रूपों में देखा कि एक तो राजनीतिक रूप में देखा, मानव विकास के रूप में देखा, संदर्भ विकास के रूप में देखा, ठीक है। अब हम चौथी देखते हैं कि मानव हम आर्थिक विकास के रूप में क्या करते हैं, विकास को देखते हैं कि आर्थिक विकास के रूप में विकास क्या है। देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आर्थिक समृद्धि के रूप में आर्थिक विकास क्या है, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है, आर्थिक विकास के रूप में हम देखते हैं कि देखिए आर्थिक समृद्धि, हमने आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, कि मातृत्व लेवल में तोले वाली जान चीज़ है कि हम पहले सॉरी सॉरी कि आर्थिक विकास को समझने से पहले हम एक आर्थिक समृद्धि को देख लेते हैं कि भाई आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अलग अंतर है क्या, ठीक है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि में देखिए हम देखते हैं आर्थिक समृद्धि क्या होती है। देखिए आर्थिक समृद्धि सिर्फ एक चीज़ होती है कि जिसमें व्यक्ति कोई व्यक्ति के आर्थिक समृद्धि जब भी होती है तो कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ाता है, और इस व्यक्ति में आप सिर्फ मानव नहीं, इसमें देश हो सकता है, देशों का समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जो अपनी आय में बढ़ोतरी करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको कुछ एग्जाम्पल में टाल सकते हैं। देखिए जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक दशक के दौरान खाद्य उत्पादन में वृद्धि को मापा जा सकता है कि वह कितने टन और है, ठीक है, पर कि हम एक वर्ष में देख सकते हैं कि हमारे पास कितना खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। अब हमारे पास ये आर्थिक समृद्धि का एक एग्जाम्पल आ गया कि हमने देख लिया कि सर हमारे पास इतना टन अनाज हुआ है, पर क्या उस टन अनाज से कितने लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, ये तो हम नाप नहीं सकते, ठीक है। ये तो क्वालिटी है, गुणवत्ता है कि वह समाज में उस अनाज से समाज के किस वर्ग को कितने लोगों को कितना फायदा हुआ, इस चीज़ को हम नाप नहीं सकते। ये तो क्वालिटी है, ये सब गुणवत्ता इस तरह की किसी जीवन का गुण इस चीज़ किसी का गुण स्तर कितना बड़ा, कोई खाएगा उसका गुण स्तर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, आर्थिक समृद्धि से मात्रात्मक पहलू रहती है कि किसी वक्त किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और आर्थिक विकास क्या है, देखिए आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से निकला हुआ टर्म है कि सिर्फ आय तो बढ़े, पर जैसे आय बढ़ गई अनाज भी बढ़ गया, अनाज जो है वो समाज के सभी लोगों तक बढ़े। जैसे कि आप अपने गाँवों में दुकान देखते होंगे जो सार्वजनिक दुकान होती है जिससे अनाज मिलता है, आप उन चीज़ों को भी गाँव में देखते होंगे, तो वो विकास है कि अनाज तो इतना पैदा हुआ, GDP हमारे GDP में अनाज इतना दिखाया, पर वो अनाज कितने लोगों तक प्रोवाइड हुआ, ठीक है। तो हम इसकी बेसिकली परिभाषा देते हैं और आपको आगे इसके बारे में और बताते हैं कि ये विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी जनता की राजनीतिक सामाजिक स्तर को सुधारता है। यह राष्ट्र के आर्थिक प्रगति मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में मापता है और बताता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ कितनी मात्रा में तथा कितने घरेलू जीवन स्तर के बदलाव को गुणवत्ता में मापता है कि कितने लोगों की घरेलू जीवन स्तर में गुणवत्ता में बदलाव आया है, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास है क्या। आर्थिक समृद्धि बेसिकली आर्थिक फैक्टर, समृद्धि आर्थिक फैक्टर है जिसमें आर्थिक चीज को नापा जाता है, पर आर्थिक विकास आर्थिक के साथ साथ सामाजिक फैक्टर भी है, राजनीतिक फैक्टर भी है, और किसी के जी और स्थानीय घरेलू जीवन स्तर का भी फैक्टर फैक्टर है, मतलब कारक है एक तरीके से। कि आगे हम देखते हैं, आगे अपनी क्या बात देखते हैं, हम देखते हैं सामाजिक विकास। देखिए ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है विकास की, कि इंसान का आर्थिक विकास जितना जरूरी नहीं होता, इंसान उससे ज़्यादा इंसान का जरूरी होता है सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास से मतलब होता है इंसान की समाज में उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति में सुधार करना,
स्थिति में सुधार ये मतलब नहीं होता कि उसकी कि उसको राजा बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सामाजिक स्थिति में सुधार, समाज में जो उसका जो रहन सहन है, बोल चाल है, वो सम्मान्य है उस तरीके से, मतलब उसके मन में खुशी की भावना प्रकट हो, ठीक है, वो समाज में रहकर खुश हो, वो समाज से कटा हुआ महसूस ना करे, ऐसे विकास को सामाजिक विकास बोला जाता है। ठीक है, कि वो समाज के अंदर वो खुश फील करे, वो अपने आप अंदर अपने अंदर ऐसी भावना ना ला लेके आए कि मैं समाज से अलग हूँ या समाज या मैं इसके लायक नहीं हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये एक सामाजिक विकास की फिलॉसफी है कि हम सबका साथ होना चाहिए। एक विकास से भी हो सकता है जब हम सबका साथ हो, ठीक है, हम सब मिलकर एक मानवतावादी सोच के क्या हो, परिपाटी में तोले जाएं कि सब मानव है, ठीक है, तो सामाजिक विकास इसी चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, आप डेफिनेशन से मुझे लगता है आप समझ जाओगे। ठीक है, ये जीवन स्तर के चारों तरफ विकास के लिए आवश्यक है। ये विकासशील राष्ट्र में सामाजिक विकास उसके आर्थिक विकास से संबंध रखता है। ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें किसी समाज या विकास तब तक नहीं हो सकता जिसमें अंतिम व्यक्ति पर उसका असर ना हो। एक सामाजिक व्यक्ति व्यक्ति को आत्मविश्वास से पूरित करती है तथा उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह गरीब सदैव गरीब नहीं रहेगा। ये विकास एक मानववादी विकास है जो समाज को मानव में अपने आप को श्रेष्ठ और सहयोग को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, तो हमने जो बोला तो आप जानते हो कि हमने बोला कि समाज से कटा हुआ महसूस ना करें, हमने आपको इतना बताया। ठीक है, अगर कोई इंसान अगर अपने आप को समाज से कटा हुआ नहीं मानेगा, समाज से जुड़ा हुआ मानेगा, तो सीधी सी बात है वो उस समाज में अपनी क्षमता का प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि वो समाज उसको साथ देगा अपनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, अगर वो अपने क्षमता का प्रयोग करेगा, क्योंकि सहयोग अगर उसको मानव से सहयोग प्राप्त होगा तो सीधा अपने क्षमता का प्रयोग करेगा, और क्षमता का प्रयोग करेगा तो वो अपना विकास भी करेगा, और विकास करेगा तो गरीबी या जो भी भुखमरी है, उसकी सामाजिक स्थिति जो न्यूनतम थी वो उसकी सुधरेगी। ठीक है, स्थिति सुधरेगी, क्योंकि सुधरेगी तो इसलिए सामाजिक विकास जो होता है एक बहुत बड़ा विकास होता है। अगर विकास होता है ये इंसान के आर्थिक विकास को भी क्या करता है, डिफाइन करता है, और समाज में इसकी स्थिति को प्रकट करता है। और एक समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक सामाजिक विकास नाम की परिपाटियों को भी, इससे क्या होता है, क्योंकि जैसे हमारे भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भारत है एक विविधता वाला देश है, जिसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, जो बहुत तरह के समाज, और हर समाज की अपनी अपनी मान्यता है। तो इस मामले में तो ये सामाजिक विकास हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी पड़ता है कि एक मानव का क्या करे, सहयोग करे और उसका विकास में सर्वोपरि हाथ बढ़ाए। ठीक है, तो हमने देखा कि सामाजिक विकास जरूरी क्यों है। देखिए, अब इसके एक थोड़े निष्कर्ष पर बात करते हैं, विकास के निष्कर्ष पर इसका बात करते हैं। देखिए, विकास की जो विकास जो है, हम सब जानते हैं कि बात हम जानते हैं कि विकास हमारी इच्छा शक्तियों पर निर्भर करता है। जिस समाज की जैसे इच्छा शक्ति निर्भर होगी, वैसा समाज या वह राष्ट्र वैसा ही विकास करेगा, और वह इतना ही विकासशील कहलाएगा। ठीक है, और इस दोनों जैसे, और ठीक है, राष्ट्र विकास कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, उसका राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। लेकिन चूंकि क्या है, विकास एक क्रमिक चीज़ है, मतलब क्रमिक से क्रम में लगातार चलने वाली चीज़ है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि विकास एक तीव्र चीज़ है, ये तीन चीज़ नहीं होती। विकास एक हमेशा क्रमिक घटना होती है जो क्रम में चलती है। ठीक है, इसीलिए इसके क्रम के हिसाब से इसके मायने भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो विकास आज के लिए जो विकास हो सकता है वो कल के लिए विकास ना हो। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि तो हमारी संस्कृति, हमारी जो है हमारी संस्कृति है, हमारे सोच विचार है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं, और इन्हीं के साथ हमारे विकास की अवधारणा भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, आप जानते हो कि आप जो पहले के ज़माने थे आज के ज़माने में कितना डिफरेंस है, ये आप अपने सामान्य जीवन में देख सकते हो। ठीक है, कि विकास के जो क्रम, जो हमारे क्रम चला है, उसके हिसाब से विकास के मायने भी अपने आप चेंज होते गए। फिर हमारी संस्कृति, हमारे जो हमारी संस्कृति, हमारी जो चीज़ें, उसके हिसाब से हम अपने विकास को चेंज करते गए। देखिए, पर जो भी विकास हो, विकास के मायने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पर एक बात है इसमें भी कि विकास, जैसे इसमें लिखा है, मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि चाहे विकास के मायने हमेशा बदलते रहे, पर विकास का एक ही लक्ष्य होता है कि मानव का चहुमुखी
और अच्छे स्तर से क्या किया जाए, उसके जीवन को सुधारा जाए, क्योंकि हमेशा मानव विकास इसलिए करता है ताकि उसके जीवन का जो स्तर है वो हमेशा सुधरता रहे, ठीक है। इसलिए विकास करता है मानव। और ये विकास और ये क्या होता है, विकास जो इंसान होता है मानव दो तरीके से प्राप्त करता है, तो भौतिक रूप से और गैर भौतिक रूप से प्राप्त होता है मानव को विकास। भौतिक रूप से आप जानते हो कि मानव भौतिक रूप से विकास प्राप्त करता है, ठीक है। भौतिक रूप आप जान सकते हो, जैसे सिंपल उदाहरण बोले तो आपको आप अपने पारंपरिक चीज़ों में देखिए, आज की चीज़ में देखिए कि आपके पास भौतिक चीज़ें कितनी है। कि जैसे आपके पहले पास बजाज के स्कूटर थे, आज आपके पास सुजुकी के स्कूटर, मतलब सॉरी सुजुकी की कार है, होंडा की कार। तो इनसे मानव का विकास दिखाता है कि मानव अपने विकास के चरम सीमा पर है या उच्चतम सीमा पर, और आगे विकास करने और अच्छा विकास करेगा। पर गैर भौतिक विकास, ये विकास इंसान का विकास ऐसा विकास है जो उसका मनोवैज्ञानिक विकास है। ये इंसान को अपनी संस्कृति से जुड़ने की चीज़ दिखाता है, ठीक है। जैसे संस्कृति से जुड़ा हुआ, क्योंकि तो एक विकास में आप इंसान के किसी की संस्कृति को नहीं दबा सकते, किसी की संस्कृति को दबा के आप विकास नहीं कर सकते। इंसान एक इंसान को अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए हमने पहले बोला था कि समाज में एक रूपता विकास सही हो सकता है जब समाज में एक रूपता हो, कि वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहे और क्या हो, वो भौतिकता का भी आनंद लेता रहे। ऐसा नहीं कि भौतिक विकास इंसान भौतिकता के लिए करता है, तो अपने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति और अपने रिवाजों परंपराओं से भी क्या हो, बंधा हो, ताकि वो अंदर से खुश रहे, ठीक है। तो इस तरह से विकास इंसानों को प्राप्त होता है। तो गाइस, ये क्लास थी विकास की, ये अर्थशास्त्र की अच्छी शर्त है। विकास मतलब अर्थशास्त्र पढ़ना है आपको, तो आपको विकास पढ़ना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम तेजेंद्र है, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो। हाय दोस्तों, मेरा नाम तेजेंद्र है, और मैं आपको आज विकास के बारे में पढ़ाऊंगा। बेसिकली हम इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम आपको विकास के बारे में बताना चाहते हैं कि विकास क्या है, क्योंकि बिना विकास के आप अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र और विकास दोनों एक चीज़ों से जुड़े हुए पहलू हैं। सो गाइस, हम शुरू करते हैं विकास। देखिए, विकास आप सब जानते हैं कि विकास क्या होता है। एक सामान्य बुद्धि विकास के बारे में जो सोच सकती है, सब सोचते हैं कि विकास एक बदलाव है, क्रमिक रूपांतरण है, जो भी है, ठीक है। पर हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, तो हम आधुनिक के हिसाब से विकास को परिभाषित करेंगे, ठीक है। आधुनिक में विकास का जब विश्लेषण करते हैं, तो आधुनिक में हम ये देखते हैं विकास में कि विकास ऐसा कैसा विकास किया जाए जो क्या समाज में आधुनिकीकरण का काम करे। मतलब आज के टाइम में विकास का ऐसा है कि जो समाज है हमारा, तो समाज में आधुनिकीकरण कैसे किया जाए। मतलब आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, और जो नवाचार है आज के टाइम में, नई पीढ़ी का नवाचार है और जो पुरानी पीढ़ियों का वो है, जो पुरानी पीढ़ियों के हमारे सिद्धांत आदर्श है, उनके बीच सामंजस्य बैठाकर किस तरह से हम अपने आप को विकास करें, अपने आप की वृद्धि करें, अपने आप को उच्चतम स्तर पर लेके जाएं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विकास है क्या बेसिकली। फिर देखिए विकास, सॉरी, देखिए विकास की जो कहानी स्टार्ट होती है, हम सब जानते हैं कि आदिम काल से विकास की कहानी स्टार्ट हुई है। आदिम काल से मनुष्य ने अपना विकास प्रारंभ किया है। हम सब जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि हम जो है आदिवासी युग में जिया करते थे, जहाँ हमारी ना हमें बोलने की शैली थी, ना खाने की शैली, जो भी जो हम आज के टाइम में करते हैं उस टाइम में नहीं थे। तो धीरे धीरे मानव ने अपना विकास किया, ठीक है, और विकास करते करते हम आज यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। विकास का जो पहलू है आज के टाइम में इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तो आज आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो एक लोकतांत्रिक समाज है, गणराज्य समाज है, या जो भी है कि जनतांत्रिक समाज है। तो इसमें विकास के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जो खुला समाज है, जहाँ पर लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं, लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो इस हिसाब से सबके लिए जो विकास के मायने वो अलग हो जाते हैं,
जैसे कि आप अपने आम जीवन में देखते हैं कि एक बिजनेसमैन होता है, उसका जो बेटा होता है या वो बिजनेसमैन होता है, उसके विकास के लिए क्या आयाम होते हैं, या एक गरीब परिवार का बच्चा या मिडिल क्लास का फैमिली होते हैं, उसके लिए विकास के क्या आयाम होते हैं। दोनों के विकास के आयाम एक होता है उच्चतर जीव उच्च जीवन स्तर और क्वालिटी वाला जीव उच्च स्तर ही बोल सकते हैं, क्वालिटी वाला जीवन स्तर कि एक अच्छा जीवन स्तर जिया जाए, इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से इनके विकास के मायने अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, विकास के मायने अलग अलग हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि कभी कभी इन विचारों जो विकास के मायने उनमें क्या हो जाता है कि देखिए, हम भारत में विकास की बात करें तो भारत में विकास हमेशा सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, पर जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो विकास के मायने चेंज हो जाते हैं। देखिए, पारंपरिक टाइम में जो विकास था वो एक बंधनों में बंधा हुआ था। ठीक है, हर किसी को काम करने के अपने हिसाब से विकास करने की वो नहीं थी, अनुमति नहीं थी। हमारे पास जो हमें हमें हम पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हम हमारा जीवन जो जीवन था पहले चाण व्यवस्था में था। ठीक है, आगे चल के विकास के मायने हुए, आप हिस्ट्री क्लास में आप देखोगे कि विकास के मायने कैसे कैसे चेंज हुए, किस तरह से हुए। फिर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो हम आधुनिक काल हमारा ब्रिटिश काल से शुरू होता है कि ब्रिटिश काल से विकास के मायने चेंज हो गए, कि विकास की परिभाषाएँ चेंज हो गई। ठीक है, देखिए, विकास की परिभाषा ब्रिटिश काल में चेंज होने मतलब ये नहीं कि विकास हुआ नहीं या विकास रुक गया था, विकास हुआ था, पर वो विकास किसी और के द्वारा थोपा हुआ विकास था, वो विकास हमने अपनी इच्छा से चाहा नहीं था कि ऐसा विकास हमें मिले। ठीक है, क्योंकि हमने जो कोई बंदा अपनी मर्जी से विकास को नहीं चाहता है, जिस विकास मतलब जो बंदा अपनी इच्छाओं को मार कर या अपनी इच्छाओं को दफन करके विकास करता है या अपने किसी विकास करता है, तो वो विकास विकास नहीं होता। ठीक है, तो इसमें उसको उसकी जो मौलिकता होती है वो निकल के नहीं आती। ठीक है, जो मौलिकता से आप समझते हो कि उसका जो अंदर का मूल का तत्व होता है वो कभी निकल के नहीं आता। तो औपनिवेशिक काल में हमारे संग यही हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था बंद की गई, हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिनमें जैसे हमारे कुशल कारीगर थे उनको दबाया गया, और जो भी हमारे भारत में रोजगार के क्षेत्र थे जो विकास उत्पादक गतिविधियों को बढ़ा सकते थे वो बंद किए गए। बेसिकली हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बंद कर दी गई, जिससे हमारे विकास अवरुद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्थिति जानी कि एक विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो हमें अपने औपनिवेशिक काल से सीख मिलती है कि विकास के लिए सबसे पहले आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके पास आपकी स्वतंत्र सोच होनी चाहिए कि आप एक अपनी स्वतंत्र सोच हो सके, उसको कुछ करने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए जो एक राज्य के द्वारा दिलाए आपके पास तो आप उपलब्ध कराए जाते हो। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा कि हम जानते आए कि हमारे देश में जाति व्यवस्था या ऐसी चीज़ें रही हैं, या जो भी आप बोल सकते हैं जाति व्यवस्था या जो भी हमारे अंदर है, तो हमें समता का प्रभाव इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे देश में विकास तभी हो पाएगा जब हम समता की बात करें। तो उस टाइम हम समता की बात करते हैं कि स्वतंत्रता हो, समता हो, और क्या हो, कुछ हमारे आदर्श थे जैसे हमारे गांधी वांधी प्रिंसिपल्स थे कि आपने पढ़ा होगा कि जंतर में गांधी या जंतर है कि मैं तब तक विकास को विकास नहीं मानता तब तक किस अंतिम हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास ना हो। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल बन के हमारे विकास को परिभाषित करते हो, ये विकास की अवधारणा हमारे संविधान में दी गई है। ठीक है, यहाँ से हमारे विकास की अवधारणा ने जन्म लिया कि हमारे औपनिवेशिक शासन काल से दस्ता से हमारे पारंपरिक इतिहास से हमने अपनी विकास की अवधारणा को जन्म दिया जो हमारे देश के संविधान में निहित है। और आप इसको हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य देखोगे जिसमें आपको 6 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपके। ठीक है, जो आपको आपके विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं जिसमें, ठीक है, वो आप देखना आपकी राजनीति विज्ञान में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए होंगे और हमारे नीति निदेशक तत्व दिए होंगे। ठीक है, जो एक आपके जो आपको कल्याणकारी राज्य के आपको क्या देते हैं, दावे देते हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी है, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी है कि राज्य की इच्छा शक्ति, ठीक है, राज्य की इच्छा शक्ति किसके हाथ में, वो कैसे उसको अप्लाई करता है, ये विकास का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विकास इंसान का प्रथम विकास भी माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू वो अपनी पसंद की सरकार चुनता है या अपने कर्तव्यों का जो उनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उनको चुनता है। तो राजनीतिक अधिक विकास एक बहुत बड़ी टर्म है जो एक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा भी, आप उसको राजनीति विज्ञान में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो हमने देखा कि विकास की अवधारणा हमारे संविधान में निहित है और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और इसके नीति निर्देश तत्वों में दिखाई देती है। ठीक है,
अब विकास की अवधारणा तो हो गई, पर विकास है क्या? ठीक है, विकास साधारणतः विकास का तात्पर्य मानव का अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए मानव की अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग, ठीक है, इसमें दो तीन बातें आई हैं कि मानव आया है, उसकी क्षमता आई है, उसका संधारणीय प्रयोग क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए मानव से तात्पर्य तो आप समझते हो कि एक मनुष्य है, ठीक है, या कोई हम मनुष्य को अर्थशास्त्र के टर्म में बोले तो मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जो उत्पादक करता है, उत्पादन की से उत्पादन में भाग लेता है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्टिव माल है, उत्पादक माल है अर्थशास्त्र के टर्म में मानव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करें। देखिए हर मानव है उसकी अपनी एक क्षमता होती है, आप जानते हो। ठीक है, ठीक है, अपने हर इंसान की क्षमता होती है। हर इंसान आप देखिए कि आप अपने रास्ते में देखते हो कि कोई इंसान रिक्शा चलाता है, कोई इंसान गाड़ी चलाता है, या इंसान कोई कंपनी चलाता है, बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, या इंसान अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करता है। ठीक है, संधारणीय का प्रयोग ऐसा है कि संधारणीय क्या हो कि इंसान एक ऐसा वर्क करे, ठीक है, जो धारणीय हो। धारणीय से मतलब हो दूसरे के लिए धारण करने वाला हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो वो विकास कर रहा है अपना वो अपने तक सीमित हो, ऐसा विकास हो कि उसके द्वारा दूसरे का विकास हो। ठीक है, इस तरह से संधारणीय विकास को परिभाषित किया जाता है। तो मैं अपनी पूरी डेफिनेशन पूरी करता हूँ। देखिए साधारणतः विकास का तात्पर्य मानव का अपनी क्षमता का संधारणीय प्रयोग करना है। क्षमता से तात्पर्य मानव की स्वतंत्रता, क्षमता एवं संसाधनों की समुचित पहुँच। ठीक है, अगर किसी मनुष्य को विकास करना है तो आप उसको, आप देखिए हमने पहले बताया था कि हमारे संविधान में क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, इंसानों को स्वतंत्रता दी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र हो किसी भी कार्य करने के लिए, मुक्त हो। ठीक है, और उसके पास समता हो, समता मतलब वो कि उसको बराबरी का मौका दिया जाए, स्वतंत्रता के साथ बराबरी का मौका हो, और संसाधनों की उचित पहुँच हो। संसाधन मीन्स आप बोल सकते हो कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अगर किसी जीवन में अगर दो चीज़ ना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य ना हो, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के वो, देखिए अगर एक वो रिक्शा वाले के पास, अगर उसके पास क्षमता है पढ़ने की और उसके पास शिक्षा ही ना हो, ठीक है, तो वो कैसे विकास करेगा। तो हमारे राज्य के नीति तत्वों में ये प्रोवाइड है कि आप शिक्षा राज्य एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। इसलिए हमने बोला था कि पहले कि राजनीतिक अधिकार पहला ही विकास का पहला अधिकार होता है, कि आप किसी को राजनीतिक अधिकार दीजिए तो वो अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य के हाथ में शक्ति देगा तो वो उसको उसको वो शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आप जानते हो कि बहुत से संसाधन होते हैं जिनकी इंसानों को डेली की आवश्यकता होती है और सरकार जिन्हें पूरा करती है। ठीक है, तो आप समझ गए विकास कि इंसान को अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए संधारणीय, और ऐसा संधारणीय से मतलब आप जानते हो कि ऐसा विकास जो उसके साथ क्या हो, उसके आने वाली पीढ़ी को भी क्या दे, सुख दे। ठीक है, तो विकास समझ गया आप, विकास क्या है। देखिए विकास क्यों, ठीक है, विकास है क्या, विकास क्यों, और विकास हम जान लेते हैं विकास जरूरी क्यों है। ठीक, एक समुचित विकास, मतलब समुचित विकास को हम आज के टाइम में क्या नाम देते हैं, आज के टाइम समुचित विकास को समावेशी विकास के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको हम आपको आपको आगे बताएंगे समावेशी विकास है क्या, पर समावेशी विकास के लिए छोटे से हम बात बोले तो एक ऐसा विकास जिसमें सभी का समान रूप से विकास हो। समान रूप से मतलब वो कि किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले, मतलब सबको अपनी क्षमता के हिसाब से विकास करने का मौका मिले, एक ऐसा विकास समावेशी विकास होता है। ठीक है, सबको अपनी उनको क्षमता प्रोवाइड की जाए, उनको संसाधन प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, ताकि वो अपने विकास स्वयं कर सकें। ठीक है, तो ये समावेशी विकास हो गया। तो हम परिभाषा पूरी करते हैं अपनी, एक समुचित विकास अर्थात समावेशी विकास समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक समाज में बहुत विविधताओं से परिपूर्ण होता है, मतलब समाज होता है वो एक बहुत ज़्यादा विविधताओं से परिपूर्ण होता है, और इन विविधताओं में उनका रहन सहन, खान पान व आय आदि में असमानता होती है। इन असमानताओं में एक रूपता स्थापित करने के लिए विकास की आवश्यकता होती है। अब आप पूछोगे कि एक रूपता क्या होती है, एक रूपता कैसे स्थापित करते हैं। देखिए अगर आप ऐसा विकास करोगे जिसमें एक का विकास हो, दूसरे का विकास ना हो, तो सीधी सी बात है विकासशील वाला व्यक्ति अपना विकास निरंतर बढ़ाता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो निरंतर जो जिसका विकास नहीं हुआ है वो विकास में पिछड़ता जाएगा। ठीक है, उसका एक विकास नहीं होगा, समुचित विकास नहीं होगा, तो समुचित विकास नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो विकास में पिछड़ जाएगा। देखिए विकास में पिछड़ जाएगा, पहले उससे हानि क्या होगी, इससे हानि ये होगी कि
हम अपनी उत्पादकता जो हमारी मानव रिसोर्सेज हैं उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक आधा हिस्सा उसका संसाधनों का उचित प्रयोग कर रहा है, आधा हिस्सा संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह पहली हानि हम देखते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। और सीधी सी बात है कि एक आज का जो अंतर बन गया है गरीबी और अमीरी का, वो निरंतर बना रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप देखते हो कि जब समाज में इतनी खाई व्याप्त होती है तो समाज में कुंठा भी व्याप्त होती है। एक मतलब एक कुंठा होती है कि समाज के अंदर कि एक इंसान विकास कर रहा है, दूसरा इंसान विकास नहीं कर रहा है। तो जो अविकासशील समाज है उसके मन में एक जो होती है वो हो सकता है कि तीव्र आक्रोश भी उत्पन्न हो, ठीक है। तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इसलिए विकास ज़रूरी है कि इन जो विकास में जो एक जो साम्यता लाया जाए विचार। देखिए ये विकास जो है सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं होता, ये आप देखिए कि अगर आप देखोगे विकास पीढ़ियों के स्तर पर और विचारों के स्तर पर होता है कि तो इस तरह पीढ़ियों के स्तर पर होता है और विकास विचारों के स्तर पर। विचार के स्तर पर बोले तो बड़े बुजुर्ग के विचार और आपके आधुनिक विचार, ठीक है। अगर इनको आप साथ लेके नहीं चलोगे, छोड़ के चल दोगे, एक विचार को लेके चलोगे एक विचार को छोड़ दोगे, तो ये समाज में घातक स्थिति होगी। क्योंकि एक समाज का एक चीज़ का दबना हमेशा समाज में घातक सिद्ध हुआ है। तो आपको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको एक रूप इन दोनों में एक रूपता लेके आनी पड़ेगी, तो ही विकास आगे बढ़ेगा। मतलब विकास जो भी प्रगति आपकी आगे बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से हमें विकास जरूरी है, ठीक है। अब विकास हमने देखा कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास है क्या और विकास क्यों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विकास और आय में संबंध क्या है। हम बोलते हैं कि क्या जो उसका आय अच्छी है उसका क्या विकास अच्छा हो सकता है, ठीक है। हम पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट एक लिया करते हैं कि आय और विकास में क्या समानता है। जिसके देखिए हम बेसिकली ये सोचते हैं जिसकी जिसके आय अच्छी है उसका विकास अच्छा होगा। डेफिनेटिव बात है, मतलब निश्चित तौर पर कही जाने वाली बात है, भाई आय अच्छी है तो इंसान अपने लिए अच्छा जीवन स्तर खरीद सकता है या ले सकता है, उसका आनंद ले सकता है, ठीक है। पर क्या आय हर जगह काम करती है? देखिए आय सिर्फ आपकी जीवन स्तर को सुधार सकती है, ठीक है, आपके इकोनॉमिक स्तर को उतार सकती है, पर आय आपके विचार के स्तर को नहीं बना सकती, आय आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं बना सकती, ठीक है। देखिए हम आप सिंपल सा एग्जांपल दें तो आप अगर आय कर आपके पास अच्छा अगर अच्छी आय है, आप अच्छा पैसा कमाते हो और आपको दो इंसान अगर इज्जत ना दें, ठीक है। सो सिंपल से वो है, अगर आपको दो इंसान इज्जत ना दें तो आपकी आय आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं खरीद पाई, ठीक है, आपकी सामाजिक स्थिति को नहीं खरीद पाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आय जरूरी है विकास के लिए, पर जरूरी से ज़्यादा भी और भी चीज़ें, आपका जीवन आपका क्या आपकी सामाजिक स्थिति कैसी हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, चलो हम अब दो राज्यों के बीच एग्जांपल देते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा सुना भी होगा कि आप देखिए हरियाणा और केरल का हम उदाहरण लेते हैं, हरियाणा या बिहार केरल साइड का हम उदाहरण लेते हैं। आप जानते हो कि हरियाणा अपने आर्थिक विकास सॉरी अपने आय के स्तर में प्रति व्यक्ति आय के स्तर में बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कि वहाँ पर आप जानते हो अच्छी अच्छी भूमिज है, उत्पादन है, सिंचाई व्यवस्था है। केरल में एक समाजवादी समाज है केरल एक, तो आप वहाँ देखिए इनमें समाज आप इनमें देखिए कि इनमें विकास किसका ज़्यादा है। केरल में आप देखिए कि आपके पास वहाँ पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा पैसा है, पर आप हरियाणा बारे में एक चीज़ जानते हो कि हरियाणा में एक कन्या भ्रूण हत्या नाम का अपराध होता था बहुत पहले थे, बहुत पहले होता है। और अच्छा और वहाँ पर आप देखिए कि जो सेक्स रेशियो है जिसे हम लिंग अनुपात कहते हैं वो हमेशा कम रहा है। इतना अच्छा आय का स्तर होने के बाद वहीं केरल में इतना अच्छा वो नहीं है, आय का डेवलपमेंट में आय का जो स्तर इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी वहाँ का वो है जीव जो लिंग अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ की साक्षरता भी अच्छी है हरियाणा की तुलना में, जो भी वो भी लड़कियों के मामलों में। तो हम आप देखते हैं कि हरियाणा में आय में तो विकास हुआ, पर वहाँ की जो लड़कियाँ लड़कियों का जो विकास था वो समुचित रूप से नहीं हो पाया। तो मतलब आपके एक समाज के सिर्फ एक हिस्से को उसका फ़ायदा हुआ विकास के को और एक हिस्से को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम आय और विकास के मायने तय करते हैं। सिर्फ आय आपकी आर्थिक ज़िंदगी सुधार सकती है, पर वो आपके सामाजिक स्तर को नहीं सुधार सकती। आप विकास में आप सिर्फ आय को ले नहीं सकते, आप उसमें उसके सामाजिक विकास उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को भी लेना होता है, ठीक है। तो हम और हम इस बात आपको आगे बताएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट जब ह्यूमन विकास संस्था के नाम की एक चीज़ होती है, इसमें हम आपको इस चीज़ को आगे और बता भी देंगे।
तो हम विकास के बारे में और बताते हैं आपको। देखिए, विकास एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित एक संकल्पना है जिसमें किसी मानव के आर्थिक के साथ साथ उसके सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को क्या परिभाषित किया जाता है कि किस परिभाषित किया जाता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को कैसे प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि उसकी इसकी इन चीज़ों में उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, विकास ये आपको बताता है। ठीक है, अब हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति, उनका नाम लेना चाहेंगे, अमर्त सेन। ठीक है, अमर सेन एक हम जानते हैं, आप जानते होंगे अमर सेन के बारे में पढ़ा होगा, पर हम अमर सेन के बारे में इतना बताते हैं, अमर सेन की विकास की आयाम बताते हैं, वो विकास के बारे में क्या सोचते हैं। तो विकास में अमर सेन का कहना है कि विकास उन विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता विहीनता का निवारण सम्मिलित है जो लोगों को उनके सामर्थ्य के अनुसार थोड़े विकल्प और अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, ये वही बात बोल रहे जो हमने पहले अभी थोड़ी बात पहले डिस्कस की थी कि विकास पे उन विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता विहीनता का निवारण सम्मिलित है। ठीक है, कि विकास तभी होगा जब आप किसी की स्वतंत्रता को उसको दोगे, जिसके हिसाब से वो अपना विकास मतलब अपने लिए कुछ करेगा। ठीक है, हमने ये बात बताई अमर सेन के साथ, आप इसको कोट कर सकते हो और कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, आप इनका नाम सुने आपके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम विकास पर एक छोटी सी बात करते हैं। देखिए, विकास पर एक रिपोर्ट आई थी, मानव विकास रिपोर्ट की, आप जानते हो कि विकास पर एक रिपोर्ट आती है, मानव विकास रिपोर्ट, हम उसके बारे में थोड़ी आपको बताते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट है क्या। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट एक यूएनए द्वारा क्या की जाती है, प्रतिपादित की जाती है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास जो रिपोर्ट है विकास के आयाम को नापती है, बेसिकली तीन स्तर पर आयाम को नापती है। ठीक है, एक जो आपका एक होगा, पहला तो आपका आय, कि आपका आय कैसा है, ये आप एक उसको नापती है कि आपकी जो आयु है, जीने की दर है, वो कैसी है। तीसरा वो आपके इस बात को नापती है कि आय, शिक्षा, आय, और तीसरा है और आपकी दीर्घायु। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक है क्या, वैसे आप देखिए तीन स्तर पर काम करता है। ठीक है, तो इसकी एक रिपोर्ट, तो इसकी रिपोर्ट एक चीज़ बताती है, इसके कथन बोलना चाहेंगे आपके सामने कि एक बात तो समझ में आती है कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की एक लंबी सूची हो सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की आप रिपोर्ट भी आपने देख ली, कि ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी ये बोलती है कि जो विकास है वो सिर्फ आय पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए और भी फैक्टर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और छोटे शब्दों में बोले जाए कि एक मतलब वो चीज़ें जो एक व्यक्ति के जीवन स्तर को व्यापक रूप से सुधारती हैं। ठीक है, अब विकास को देखते हैं, कई रूपों में विकास को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले विकास को राजनीतिक रूप में देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम जानते हैं विकास, हमने आपको बताया था राजनीतिक रूप में क्या है। विकास के लिए पहली शर्त यह है कि इंसान का राजनीतिक विकास हुआ जाए। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं यह विकास के रूप में प्रथम अधिकार है जो मानव को अपने समुचित विकास के लिए किसी एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, इसे ही राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक सेवाओं के रूप में राज्य एक विकास प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के लिए भारत में दो अलग राज्यों में शिशु मृत्यु दर में अंतर राज्य की कार्य शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि पहली बात बताई दिया कि भाई एक प्रथम अधिक विकास की श्रेणी में आता है। देखिए, एक राज्य होता है, हमने बताया था एक राज्य एक अपने क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का क्या करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके हाथ में शक्ति दी होती है एक लोकतंत्र राज्य में, जो कि जनता के द्वारा की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो जनता के विकास प्रति उसकी जवाबदेही है। ठीक है, तो इस तरह एक राजनीतिक विकास मतलब विकास के लिए राजनीतिक विकास होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, किसी को जैसे हमने बताया कि हमारे संविधान में पहले बताया था, हमारे संविधान में बताया था कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देश तत्व वो आपको स्पष्ट करते हैं कि एक राजनीतिक
इच्छा शक्ति के द्वारा ही किसी का विकास किया जाता है। आप उसके आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें राज्य के कर्तव्य भी समझाए गए जो आपको इस बात को पूरी तरीके से समझा देंगे कि एक राजनीतिक रूप में विकास के क्या आयाम हैं, उससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। और हमने आपको बताया था हरियाणा और केरल का उदाहरण, आप उसमें देखिए दो स्टेट जिसमें हरियाणा और केरल की राज्य की इच्छा शक्ति का नतीजा था कि इन दोनों में स्थिति कैसी कैसी थी, आय के स्तर असमान होने के बावजूद भी। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं मानव विकास। देखिए अमर्त्य सेन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, वो ये बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि को वो है ना क्या विकास मापक है, ये कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि को विकास के मापक में रूप में देखे जाने के ये क्या है, प्रबल असमर्थक हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, देखिए आर्थिक समृद्धि इसमें टर्म है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है बेसिकली, देखिए आर्थिक समृद्धि जब होती है जब अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति को आप एक मात्रात्मक लेवल पे नापते हो। ठीक है, मात्रात्मक लेवल पे नापने मतलब आप उसको गणितीय अंकों में नापते हो एक तरीके से, कि भाई कि आप उसके अंदर नहीं झांकते कि हम देखते हैं कि जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ, ठीक है जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ पर उससे उस ग्रोथ से कितने को कितना मिला, मतलब उस ग्रोथ की जो आपके आपके पास मात्रात्मक जो आपके पास संख्या आई है कि इस साल हमने हमारे देश की इकोनॉमी इतना ग्रोथ करी, इतने हमारे पैसे हमारी इकोनॉमी में इतने पैसे कमाए, पर उस पैसे से उस पैसों का आपने क्या किया, मतलब उस पैसों का असर जो पैसे कमाए थे उसका समाज के विभिन्न तबकों पर कुछ उसको कुछ मिला भी या नहीं मिला उसका कुछ। ठीक है, उसका कुछ तबकों का कुछ मिला मिला नहीं, जो विकास बिजनेसमैन होते हैं बिजनेसमैन भी विकास करते हैं क्या, उस विकास का जो भी उन्होंने विकास को कि विकास उन्होंने कैसे किया होगा, हमसे विकास किया होगा विकास करने को तो। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें किसका हाथ होता है, हमारा ही हाथ होता है क्योंकि तो हम इन सामान को खरीदते हैं तो हमारे थ्रू तो उनका विकास हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम उनका विकास कर रहे हैं तो क्या उस चीज़ से हमारा विकास हुआ कि उनके प्रोडक्ट बेचने से क्या हमारा विकास हुआ कि हमारे जीवन स्तर में उसमें कितना बदलाव आया। ठीक है, कितना बदलाव आया। ठीक है, ये होता है क्या होता है आपका मानव विकास के अंदर एक संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कि विकास मानव का जो विकास हो वो सिर्फ आर्थिक समृद्धि से नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है उस बिजनेसमैन का क्या देखा जाता है, प्रॉफिट देखा जाता है, पर जो उसका प्रोडक्ट खरीदा है उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ इसमें उस बात को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस चीज़ का विकास छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके एक क्या होते हैं उसका एक गुणवत्ता नहीं ली जाती कि उस विकास की जो गुणवत्ता है ना वो किस प्रकार से परिपाटी पर समाज पर उतरी है। ठीक है, तो ये मानव विकास की एक संकल्पना देते हैं और अमर सिंह की सिर्फ समृद्धि सिर्फ ग्रोथ, समृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, कि सिर्फ समृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक लेवल पर होती है, वो गुणात्मक लेवल पर नहीं होती। ठीक है, वो इसमें क्या करते हैं मानव मानवाधिकार को क्या करते हैं मौलिक वाक्य रूप में सम्मिलित करते हैं कि मानव का जो विकास होना चाहिए, रमजान मानव का जो विकास है उसका वो अधिकार है, एक मानव अपना विकास कर सके खुद अपने ढंग से स्वयं से, वो उसका एक मौलिक अधिकार है। इसमें हम बात इनपुट करना चाहेंगे कि मौलिक अधिकार के रूप में उनका ये मतलब है कि एक इंसान को स्वतंत्रता दी जाए, वो स्वतंत्रता दी जाए और वो अपनी क्षमता के हिसाब से क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, इस प्रकार अमरसन कहते हैं कि इसको मानव अधिकार के रूप में मौलिक क्या मानव विकास को सम्मिलित किया जाए मौलिक रूप अधिकार के रूप में। ठीक है, हम इसके पूरी डेफिनेशन बोल देते हैं आपके सामने एक बार, आप देख भी लेना, आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ जाएगी। अमर्त्य सेन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, वो आर्थिक समृद्धि को विकास के मापक के रूप में देखे जाने के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने मानव अधिकार को विकास के एक मौलिक भाग के रूप में सम्मिलित करते हैं करते हुए पुनः परिभाषित करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की सभी उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदायिता आवधिक समृद्धि दोनों के साथ साथ हो सकती है। ठीक है, हम नीचे की लाइन को समझाते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रिया की किस लाइन को, कि सामाजिक परिवर्तन की सभी उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदायिता आर्थिक समृद्धि दोनों के साथ साथ हो सकती है, इसका मतलब क्या है। देखिए जो हम जाना कि भाई मानव ने विकास किया, ठीक है समाज में जो परिवर्तन होते हैं आप जानेंगे, अगर एक किसी मनुष्य का अच्छा विकास होगा, आर्थिक विकास आएगा, अच्छा विकास होगा तो सीधी सी बात है उसका सामाजिक विकास भी ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे आएंगे तो वो अच्छे से अच्छा खरीद पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो यह है कि भाई ठीक है उसका सामाजिक परिवर्तन पर धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। तो अमर सिंह यहाँ कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि मतलब
ऐसा नहीं हो, जीडीपी में बिजनेसमैन प्रॉफिट ना कमाए, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो भाई पैसे कैसे, रेवेन्यू कैसे आएगा सरकार के पास, ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे आएगा, तो यहाँ ठीक है रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, सरकार काम कैसे करेगी, तो बिना क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं जो आप टैक्स देते हैं वो, इसको रेवेन्यू बोला जाता है, जो जो सरकार की कमाई होती है उसी सरकार की कमाई को उसी को बोला जाता है, वो नहीं आएगा सरकार कैसे काम करेगी। तो मैं अमर सर कहना चाहते हैं कि सरकार और जनता दोनों क्या करती हैं, सरकार जनता दोनों क्या करती है, इस विकास को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है, सरकार और जनता इन दोनों विकास को आगे कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, यहाँ अमर सर इस बात को कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संधारणीय विकास, ठीक है, इसका तात्पर्य एक विकास जो भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखते हुए करा हो, ठीक है, चूंकि इसका तात्पर्य सिर्फ आने वाली पीढ़ी नहीं है, सामान्यतः एक विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं तथा अवांछनीय परिणाम ला सकते हैं, इस रूप में विकास को धारणीय अर्थात जो सबके लिए अपनाने लायक हो बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए इसे प्राप्त करने के लिए यूएनओ ने 17 संधारणीय लक्ष्य रखे हैं जो उन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, और इसके लिए प्रत्येक हितधारक नागरिक व सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। देखिए संधारणीय विकास, देखिए हमने पहले बताया था संधारणीय विकास कैसा हो कि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को विकास की सौगात दे के जाए, ठीक है, उसके लिए कुछ छोड़ के जाए। हम इस संधारणीय विकास को हम आज के टाइम में बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, पर्यावरण में यूज़ करते हैं, पर्यावरणीय विकास में, आर्थिक विकास में, सब चीज़ में, जैसे में धारणीय मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को धारण किया जा सके, मतलब जिस चीज़ को धारण ही किया जा सकते है, धारण किया जा सकते और जिस, ठीक है, धारण किया जा सकते और समान रूप से धारण किया जा सके, सके मतलब सेमी समान और स्थान धारण, जिसको समान रूप से धारण किया जा सके। देखिए देखिए संधारणीय विकास की आज के टाइम में आवश्यकता क्या है, देखिए संधारणीय विकास, देखिए आज के टाइम में जो विकास के जो आयाम खुले हैं, हम जानते हैं कि विकास आज के टाइम में जो आप एक चीज़ पर आपने एक चीज़ सुनी होगी अखबारों में बहुत बार कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण की कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ये क्यों हो रहा है, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण को क्षति इसलिए पहुंचे कि पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ी है, और ये कार्बन की मात्रा हुई है कि हमारे अत्यधिक दोहन की विकास परियोजनाओं से, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत विकास परियोजना चल रही है जो अत्यधिक अब जिनमें पर्यावरण का क्या किया जा रहा है, हास किया जा रहा है, समुद्र में या आकाश में आप बहुत सी संधियाँ पढ़ोगे जिनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं उनको रोकने के लिए, तो इसमें ये बात की गई कि हमें विकास एक ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए तो हो, वांछनीय हो, हमारे लिए सिर्फ वांछनीय हो पर आने वाली पीढ़ियों को दिया जाए। हम फॉर एग्जाम्पल में हम पेड़ दे सकते हैं, जैसे हमें पेड़ क्या देते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं, वो व्यवसाय में बहुत उपयोगी होते हैं, वो आम जीवन के लिए बहुत उपयोगी, औषधियों में बहुत उपयोगी है, तो हम ये नहीं कहते कि हम पेड़ों का उपयोग ना लें, पर हम पेड़ों का अंधाधुंध उपयोग ना करें कि हमें चाहिए एक पेड़ हमें काट लिए दो पेड़, या हमें अपने व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसे के कि ऐसा विकास हो कि मतलब चलो हमें दो पेड़ काट भी लिए, विकास का मतलब है कि हम दो पेड़ काटते हैं तो हम तीन पेड़ लगाएं ताकि आने वाले टाइम में इन पेड़ों की कमी ना हो, और आने वाली पीढ़ियों को क्या कहें, ये जो सौगात जो देते आए पिछली पीढ़ियों को वो ही आगे वाली पीढ़ियों को देते रहे। तो इस तरह संधारणीय विकास की परिकल्पना की जाती है, ठीक है, संधारणीय विकास की परिकल्पना की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो क्या है, हम जानते हैं कि संधारणीय विकास ही हो गया, चलो ठीक है हमें मान लिया। अब देखिए ये हो गई एनवायरमेंटल बात की, एनवायरमेंट में विकास, संधारणीय विकास का मतलब ये हो गया कि भावी पीढ़ी के लिए, ठीक है। हम अगर अर्थशास्त्र में इसकी बात करें कि भाई संधारणीय विकास अर्थशास्त्र में क्या मायने होते हैं, तो हम देखेंगे संधारणीय विकास को एक तरीके से आप समावेशी विकास के रूप में जानते हैं, समावेशी विकास के रूप में बोल सकते हो, क्योंकि समावेशी विकास ही संधारणीय विकास की अवधारणा लेके आता है, ठीक है। तो समावेशी विकास क्या होता है, समावेशी विकास होता है जिसमें सबका समान रूप से विकास हुआ था, जिसके संसाधनों की सबके पास समुचित पहुंच हो, किसी एक के पास संसाधनों को यूज़ करने का अधिकार ना हो, ठीक है, कि वो इसका अधिकार करे और दादून अधिकार करे और बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं और वो विकास ना कर पाए, इसी के लक्ष्य को ध्यान के रखते हुए। देखिए हमारे हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ बेसिक प्रॉब्लम, सामान्य जो सामान्य कॉमन प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व में व्याप्त है, तो उन समस्या को समाप्त करने के लिए जो है
ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसी को ध्यान रखते हुए यूएनओ ने कुछ लक्ष्य रखे हैं, जिनको आप जानते हो समावेशी विकास 2030 के नाम से कुछ उन्होंने अपने गोल रखे हैं, जैसे ठीक है, ताकि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके जिन लक्ष्यों के द्वारा हम आने वाले पीढ़ियों को क्या कर सके, संधारणीय विकास का क्या दे सके, फायदा दे सके। संधारणीय विकास का फायदा, जैसे कि उसमें लक्ष्य रखे गए गरीबी न्यूनतीकरण, गरीबी न्यूनीकरण का, कि अगर गरीबी, देखिए अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, कि अगर आज कोई कोई भी जो साइकिल चलाने वाला या रिक्शा चलाने वाला अगर अपना थोड़ा सा विकास करेगा, ठीक है, उसको गरीबी के घोंसले काला जाएगा, तो उसके आने वाली पीढ़ी, जैसे उसकी पीढ़ी होगा, उसको रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना कौशल विकास के थ्रू अपनी अच्छी पढ़ाई करेगा, संसाधनों की पहुँच होगी और अच्छा व्यवसाय करेगा या जो भी अपना कुछ करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार संधारणीय विकास की परिपाटी दी जाती है कि ये संधारणीय विकास एक मानव विकास के लिए बहुत बहुआयामी चीज़ है, दृष्टिकोण है, और इसके लिए आप यूएनओ ने दरखास्त की है कि इसके लिए सभी देशों की सरकारें, वहाँ की नागरिक समाज, जो नागरिक सिविल सोसाइटी होती है, और वहाँ की जनता इसमें सहयोग प्राप्त करें। देखिए हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमने आपको मानव विकास के बारे में बताया कि थोड़ी देर पहले बताया कि सब की अधिकार प्रायिकता अधिकार आर्थिक संबंधी दोनों के साथ साथ हो सकती है। देखिए इसमें हम आपको बता, इसको हम समझाने के लिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया पहले, जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन विकास कर रहा है, देखिए एक टर्मोलॉजी आई थी कौन में आप पढ़ोगे, अगर एक आर्थिक व्यापारी विकास कर रहा है तो सीधे से विकास की बात है, वो विकास हमसे ले रहा है, हमारे हम चीज़ को खरीद रहे हैं, हमारी चीज़ उसके पास पैसा जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है जो सीधे सीधे खर्च करे, पर जो व्यापारी हमसे पैसा कमा रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वो हमारी धरती से ही पैसा कमा रहा है, हमारी जो संपदा है, क्योंकि भूमि पानी जिससे वो अपनी संपत्ति बना रहा है, वो एक साझी संपत्ति है सबकी, तो उसका उस पर केवल उसका अधिकार नहीं है, ठीक है, तो उसके थ्रू उस भूमि पर सभी मानव जाति का अधिकार है, तो उसका भी हक है कि वो उसका कुछ परसेंट मानव जाति को दे। इसको ध्यान में रखते हुए एक टर्म आई थी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सामाजिक सहयोग दायित्व, ठीक है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी आई थी। इसके थ्रू क्या होता है कि व्यापारी अपने व्यापार आपके लाभ का कुछ अंश समाज को भी देता है जिससे वो खा रहा है। तो इस तरह मानव विकास को समझाते हैं कि आर्थिक समृद्धि और क्या अधिकार प्रायिकता दोनों साथ साथ होती है, और मानवाधिकार क्या है तो मौलिक भाग है, ठीक है। हमने देखा भी, हमने भी देखा कि विकास को हमने अभी तक तीन रूपों में देखा, कि एक तो राजनीतिक रूप में देखा, मानव विकास के रूप में देखा, संधारणीय विकास के रूप में देखा, ठीक है। अब हम चौथी देखते हैं कि मानव हम आर्थिक विकास के रूप में क्या करते हैं, विकास को देखते हैं कि आर्थिक विकास के रूप में विकास क्या है। देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आर्थिक समृद्धि के रूप में आर्थिक विकास क्या है, ठीक है, है ना, तो ठीक है। देखिए आर्थिक विकास के रूप में हम देखते हैं कि देखिए आर्थिक समृद्धि, हमने आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, कि मातृत्व लेवल में तोले वाली जान चीज़ है, कि हम पहले कि आर्थिक विकास को समझने से पहले हम एक आर्थिक समृद्धि को देख लेते हैं, कि भाई आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अलग अंतर है क्या, ठीक है, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि में देखिए हम देखते हैं आर्थिक समृद्धि क्या होती है, देखिए आर्थिक समृद्धि सिर्फ एक चीज़ होती है कि जिसमें व्यक्ति कोई व्यक्ति के आर्थिक समृद्धि जब भी होती है तो कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ाता है, और इस व्यक्ति में आप सिर्फ मानव नहीं, इसमें देश हो सकता है, देशों का समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जो अपनी आय में बढ़ोतरी करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको कुछ एग्जाम्पल में टाल सकते हैं, देखिए जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को मापा जा सकता है कि वह कितने टन और है, ठीक है, पर कि हम एक वर्ष में देख सकते हैं कि हमारे पास कितना खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। अब हमारे पास ये आर्थिक समृद्धि का एक एग्जांपल आ गया कि हमने देख लिया कि सर हमारे पास इतना टन अनाज हुआ है, पर क्या उस टन अनाज से कितने लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, ये तो हम नाप नहीं सकते, ठीक है, ये तो क्वालिटी है, गुणवत्ता है कि वह समाज में उस अनाज से समाज के किस वर्ग को, कितने लोगों को कितना फायदा हुआ, इस चीज़ को हम नाप नहीं सकते, ये तो क्वालिटी है, ये तो गुणवत्ता इस तरह की किसी जीवन का गुण
उस चीज किसी का गुणस्तर कितना बड़ा, कोई खाएगा उसका गुणस्तर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, आर्थिक समृद्धि से मात्रात्मक पहलू रहती है कि किसी वक्त किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और आर्थिक विकास क्या है, देखिए आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से निकला हुआ टर्म है कि सिर्फ आय तो बढ़े, पर जैसे आय बढ़ गई अनाज भी बढ़ गया, अनाज जो है वो समाज के सभी लोगों तक तो बढ़े। जैसे कि आप अपने गाँवों में दुकान देखते होंगे जो सार्वजनिक दुकान होती है जिससे अनाज मिलता है, आप उन चीज़ों को भी गांव में देखते हो, तो वो विकास है कि अनाज तो इतना पैदा हुआ, जीडीपी हमारे जीडीपी में अनाज इतना दिखाया, पर वो अनाज कितने लोगों तक तो प्रोवाइड हुआ, ठीक है। तो हम इसकी बेसिकली परिभाषा देते हैं और आपको आगे इसके बारे में बताते हैं कि ये विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी जनता की राजनीतिक सामाजिक स्तर को सुधारता है। यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में मापता है और बताता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ कितनी मात्रा में तथा कितने घरेलू जीवन स्तर के बदलाव को गुणवत्ता में मापता है कि कितने लोगों की घरेलू जीवन स्तर में गुणवत्ता में बदलाव आया है, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास है क्या। आर्थिक समृद्धि बेसिकली आर्थिक फैक्टर, समृद्धि आर्थिक फैक्टर है जिसमें आर्थिक चीज़ को नापा जाता है, पर आर्थिक विकास सब आर्थिक के साथ साथ सामाजिक फैक्टर भी है, राजनीतिक फैक्टर भी है और किसी के जी और स्थानीय घरेलू जीवन स्तर का भी फैक्टर फैक्टर है, मतलब कारक है एक तरीके से। कि आगे हम देखते हैं, आगे अपनी क्या बात देखते हैं, हम देखते हैं सामाजिक विकास। देखिए ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है विकास की, कि इंसान का आर्थिक विकास जितना जरूरी नहीं होता, इंसान उससे ज़्यादा इंसान का जरूरी होता है सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास से मतलब होता है इंसान की समाज में उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति में सुधार करना। स्थिति में सुधार ये मतलब नहीं होता कि कि उसको राजा बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सामाजिक स्थिति में सुधार, समाज में जो उसका जो रहन सहन है, बोल चाल है, वो सम्माननीय हो तरीके से, मतलब उसके मन में खुशी की भावना प्रकट हो, ठीक है। वो समाज में रहकर खुश हो, वो समाज से कटा हुआ महसूस ना करे, ऐसे विकास को सामाजिक विकास बोला जाता है, ठीक है। कि वो समाज के अंदर वो खुश फील करे, वो अपने आप अंदर अपने अंदर ऐसी भावना ना ला लेके आए कि मैं समाज से अलग हूँ या या मैं इसके लायक नहीं हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये एक सामाजिक विकास की फिलोसफी है कि हम सबका साथ होना चाहिए। एक विकास तभी हो सकता है जब हम सबका साथ हो, ठीक है। हम सब मिलकर एक मानवतावादी सोच के क्या हो, परिपाटी में तोले जाएं कि सब मानव है, ठीक है। तो सामाजिक विकास इसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, आप डेफिनेशन से मुझे लगता है आप समझ जाओगे, ठीक है। ये जीवन स्तर के चारों तरफ विकास के लिए आवश्यक है। ये विकासशील राष्ट्र में सामाजिक विकास उसके आर्थिक विकास से संबंध रखता है। ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है जिसमें किसी समाज या विकास तब तक नहीं हो सकता जिसमें अंतिम व्यक्ति पर उसका असर ना हो। एक सामाजिक स्थिति व्यक्ति को आत्मविश्वास से पूरित करती है तथा उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह गरीब सदैव गरीब नहीं रहेगा। ये विकास एक मानववादी विकास है जो समाज को मानव में अपने आप को श्रेष्ठ और सहयोग को सर्वोपरि मानता है, ठीक है। तो हमने जो बोला, तो आप जानते हो कि हमने बोला कि समाज से कटा हुआ महसूस ना करें, हमने आपको इतना बताया, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर अपने आप को समाज से कटा हुआ नहीं मानेगा, समाज से जुड़ा हुआ मानेगा, तो सीधी सी बात है वो उस समाज में अपनी क्षमता का प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि वो समाज उसको साथ देगा अपनी क्षमता का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। अगर वो अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा, क्योंकि सहयोग अगर उसको मानव से सहयोग प्राप्त होगा तो सीधा अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा, और क्षमता का प्रयोग करेगा तो वो अपना विकास भी करेगा, और विकास करेगा तो गरीबी या जो भी भुखमरी है उसकी सामाजिक स्थिति जो न्यूनतम थी वो उसकी सुधरेगी, ठीक है। स्थिति सुधरेगी क्योंकि देख सुधरेगी, तो इसलिए सामाजिक विकास जो होता है एक बहुत बड़ा विकास होता है। अगर विकास होता है ये इंसान के आर्थिक विकास को भी क्या करता है, डिफाइन करता है, और समाज में इसकी स्थिति को प्रकट करता है। और एक समाज के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक सामाजिक विकास नाम की परिपाटियों को भी, इससे क्या होता है, क्योंकि जैसे हमारे भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो भारत है एक विविधता वाला देश है जिसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, जो बहुत तरह के समाज, और हर समाज की अपनी अपनी मान्यता है। तो इस मामले में तो ये सामाजिक विकास हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी पड़ता है कि एक मानव
का क्या करे, सहयोग करे और उसका विकास में सर्वोपरि हाथ बढ़ाए। ठीक है, तो हमने देखा कि सामाजिक विकास जरूरी क्यों है। देखिए, अब इसके एक थोड़े निष्कर्ष पर बात करते हैं, विकास के निष्कर्ष पर विकास की बात करते हैं। देखिए, विकास की जो विकास जो है, हम सब जानते हैं कि बात हम जानते हैं कि विकास हमारी इच्छा शक्तियों पर निर्भर करता है। जिस समाज की जैसे इच्छा शक्ति निर्भर होगी, वैसा समाज या वह राष्ट्र वैसा ही विकास करेगा और वह उतना ही विकासशील कहलाएगा। ठीक है, और इस दोनों जैसे और ठीक है, राष्ट्र विकास कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, उसका राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। लेकिन चूंकि क्या है, विकास एक क्रमिक चीज़ है, मतलब क्रमिक से क्रम में लगातार चलने वाली चीज़ है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि विकास एक तीव्र चीज़ है, ये तीव्र चीज़ नहीं होती। विकास एक हमेशा क्रमिक घटना होती है जो क्रम में चलती है। ठीक है, इसे इसीलिए इसके क्रम के हिसाब से इसके मायने भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो विकास आज के लिए जो विकास हो सकता है, वो कल के लिए विकास ना हो। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि तो हमारी संस्कृति, हमारी जो है हमारी संस्कृति है, हमारे सोच विचार है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं और इन्हीं के साथ हमारे विकास की अवधारणा भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, आप जानते हो कि आप जो पहले के ज़माने थे, आज के ज़माने में कितना डिफरेंस है, ये आप अपने सामान्य जीवन में देख सकते हो। ठीक है, कि विकास के जो क्रम, जो हमारे क्रम चला है, उसके हिसाब से विकास के मायने भी अपने आप चेंज होते गए। फिर हमारी संस्कृति, हमारे जो हमारी संस्कृति, हमारी जो चीज़ें, उसके हिसाब से हम अपने विकास को चेंज करते गए। देखिए, पर जो भी विकास हो, विकास के मायने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पर एक बात है इसमें भी कि विकास, जैसे इसमें लिखा है, मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि चाहे विकास के मायने हमेशा बदलते रहे, पर विकास का एक ही लक्ष्य होता है कि मानव का चहुमुखी और अच्छे स्तर से क्या किया जाए, उसके जीवन को सुधारा जाए। क्योंकि हमेशा मानव विकास इसलिए करता है ताकि उसके जीवन का जो स्तर है वो हमेशा सुधरता रहे। ठीक है, इसलिए विकास करता है मानव। और ये विकास, और ये क्या होता है, विकास जो इंसान में होता है, मानव दो तरीके से प्राप्त करता है, एक तो भौतिक रूप से और गैर भौतिक रूप से प्राप्त होता है मानव को विकास। भौतिक रूप से आप जानते हो कि मानव भौतिक रूप से विकास प्राप्त करता है। ठीक है, भौतिक रूप आप जान सकते हो, जैसे सिंपल उदाहरण बोले तो आपको, आप अपने पारंपरिक चीज़ों में देखिए, आज की चीज़ में देखिए कि आपके पास भौतिक चीज़ें कितनी है। कि जैसे आपके पहले पास बजाज के स्कूटर थे, आज आपके पास सुजुकी के स्कूटर, मतलब सॉरी सुजुकी की कार है, होंडा की कार। तो इनसे मानव का विकास दिखाता है कि मानव अपने विकास के चरम सीमा पर है या उच्चतम सीमा पर हो, आगे विकास करने और अच्छा विकास करेगा। पर गैर भौतिक विकास, ये विकास इंसान का विकास ऐसा विकास है जो उसका मनोवैज्ञानिक विकास है। ये इंसान को अपनी संस्कृति से जुड़ने की चीज़ दिखाता है। ठीक है, जैसे संस्कृति से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक विकास में आप इंसान के किसी की संस्कृति को नहीं दबा सकते, किसी की संस्कृति को दबा के आप विकास नहीं कर सकते। इंसान एक इंसान को अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हमने पहले बोला था कि समाज में एक रूपता विकास सही हो सकता है जब समाज में एक रूपता हो, कि वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहे और क्या हो, वो भौतिकता का भी आनंद लेता रहे। ऐसा नहीं कि भौतिक विकास इंसान भौतिकता के लिए करता है, पर अपने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति और अपने रिवाजों, परंपराओं से भी क्या हो, बंधा हो, ताकि वो अंदर से खुश रहे। ठीक है, तो इस तरीके से विकास इंसान को प्राप्त होता है। तो गाइस, ये क्लास थी विकास की, ये अर्थशास्त्र की अच्छी शर्त है। विकास मतलब अर्थशास्त्र पढ़ना है आपको, तो आपको विकास पढ़ना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मेरा नाम तेजेंद्र है, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो